अभी आज बच्चे चैप्टर के पहले लेक्चर में आते हैं, पूछते हैं कि आज नया चैप्टर है क्या। फिर हम बताते हैं हाँ, फिर वो बोलते हैं ठीक है, बस इतना ही जानना था, करूंगा तो मैं बाद में ही करते। फिर भी वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वॉच में इतना स्ट्रॉन्ग आता है, मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ, करते क्या हो तुम लोग, लाइव का पैसा देके रिकॉर्डेड देखते हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। मैं बस एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ सारे लेक्चर्स को ग्रुप में। सब जगह शेयर कर दिया। हाँ ठीक है, सर बीच में इस टाइम पे कोई ना कोई काम बता देते हैं घर वाले, और अच्छा खासा फिर लाइफ वाला छूट जाता है। तो बेटा घर वाले काम सुनाएंगे, सुनाते होंगे, वो सारी चीजें मैं मानता हूँ, अग्री करता हूँ, बट आपकी पढ़ाई को आप जेपराइज करेंगे ये तो भैया मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं हुआ बेटा यूट्यूब लेक्चर, मेरे को बोलते हैं 1 घंटा ही लो। मैंने बोला 1 घंटे में क्या करूंगा भाई, तो बोलते वो काउंट नहीं होगा। मैंने बोला यार ऐसा मत करो, 2 घंटे लेने दो मेरे को, या तो मॉनिटरी पॉलिसी का लेना पड़ेगा, ऐसा हो गया तो व्हाट्सअप चेक करो, व्हाट्स द रेशियो सर, कौन सा रेशियो, विच रेशियो यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम रिकॉर्डेड का, लाइव वर्सेस रिकॉर्डेड का, ऐसा रेशो नहीं है मेरा। मैं पहले ही आर्स दे देता हूँ, स्टार्टिंग में मैं आर्स दे देता हूँ, हमें 4 4 महीने का प्रोजेक्शन देना पड़ता है आगे का, तो मैं दे चुका था, और उसको बिल्कुल मंथ एंड में जाके चेंज करना और अप्रूवल मांगना मुझे सही नहीं लगा। अगर हाँ ये बात मंथ के स्टार्ट की होती तो फिर मैं एक बार करता भी कोशिश। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। अच्छा वैसे मेरे ख्याल से यहाँ से अब मेरे को मिनट से पता चल जाता है, मिनट्स यहाँ पर आपके कितने जनरेट होते होंगे, आप 20 से 25 रहते होंगे, 15 रहते होंगे, 15 18, बेटा कम से कम 3 गुना है अगर ये रेशो सही है तो। आप 120 मिनट का मैं अज्यूम करता हूँ कि बच्चा पूरा देखता होगा स्टार्ट सेंटर, जो कि यहाँ नहीं देखता है, वहाँ पर 10,000 to 12,000 मिनट्स जा रहे हैं, मतलब हाँ, और अब तक तो अर्ली बर्ड बैच ही चालू किया तो और हो जाएंगे, पर ज़्यादा देख रहे हैं बहुत सारे, पर इतनी क्वेरीज आती नहीं है मुझे, तो मैं भी कई बार हैरान रहता हूँ, वो मेरे को भी क्लू नहीं लगता, कभी भूला भटका बच्चा क्वेरी पूछता है, बोलता मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, शायद क्वेरी आती नहीं होगी इतनी, पता नहीं, 5 टाइम्स सर बिकॉज रिकॉर्डेड में 1 पॉइंट, फिर तो ज़्यादा होगा सर। कल मैंने मिस कर दिया था, परसों। अच्छा तूने कल परसों को मिस कर दिया था, ठीक है बेटा, लेकिन आज कुछ मिस मत कर। ओके बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पब्लिक फाइनेंस बहुत ही मस्त चैप्टर है, मस्त चैप्टर इसलिए क्योंकि 6 दिन में हो जाएगा ये आपका, इस संडे को हो जाएगा बेटा, संडे को सर, सैटरडे सैटरडे तक तो हो ही जाना चाहिए, नहीं हुआ तो संडे है ही अपना, कोई तकलीफ की बात नहीं है। यस आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, वो वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो ये भैया आप लोगों का 27 तारीख है ना संडे, 27 28 जो भी है, 28 है 29 30 31, आओ नहीं कल 2 बजे वाला क्लास नहीं हुआ, यूट्यूब वाला सेशन नहीं हुआ, होता तो तुम लोग होते, उसमें मुझे पता है। हाँ जी बेटा, तो आपके 28 तारीख तक हो जाएगा, उसके बाद और 6 दिन लगेंगे, और आपका फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर में हो जाएगा। अब सेप्टेंबर में क्या करना है उसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ। ओके ओके, मैंने आज रखे हैं कुछ आपके लिए, लेट्स सी। ओके बेटा चलिए बेटा नया चैप्टर पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस। ये चैप्टर काफी इजी है पर लेंदी है, याद रखिएगा इस चैप्टर में आपको हर पॉइंट ऐसा मिलेगा, या फिर हर एक कह सकते हैं हेड ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मैं समझा दूंगा याद भी करवा दूंगा, लेकिन इसको बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा, इजी है, अनडाउटेडली इजी है, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद भी आपको रियलाइज होगा हाँ सब समझ में आ गया, लेकिन बेटा प्रीवियस चैप्टर के कंपैरिजन में इस चैप्टर में आपको चीजें याद रखने वाली बहुत है। अगर आप देखेंगे बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, भले वो सीआरआर हो, एसएलआर हो, एमएसएफ हो, सारी चीजें हमको आ रही थी, समझ में आ रही थी बेटा, डिटेल में आ रही थी, हमें पता है कि हम लिख लेंगे, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। इसके बाद जो चैप्टर आएगा इंटरनेशनल ट्रेड, उसके 3 यूनिट आपसे केक वॉक मक्खन तौर पर हो जाएंगे, और 2 यूनिट का लोड लेना ही, वो तो 3 मार्क्स गए आपके, ऐसा समझ के चलो, मैं करवा दूंगा, पढ़ो 3 मार्क्स गए आपके, छोड़ दो। तो बेटा पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा लर्न करने वाला पार्ट बढ़ेगा, पढ़ेंगे किस उसी तरीके से, जैसा चैप्टर जैसी रिक्वायरमेंट वैसा हम लोग करेंगे। तो आइए बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 1 हो गया, नेशनल इनकम कर लिया हम लोगों ने, मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया, पढ़ते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है बेटा पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर पब्लिक, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर पब्लिक, मतलब अगर आप देखेंगे हमारा सिलेबस उसमें पहला चैप्टर है नेशनल इनकम जो कि आपको समझ गया, दूसरा है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी, और ये वाला है पब्लिक फाइनेंस जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। बेटा ये आरबीआई का पहलू है और ये गवर्नमेंट का पहलू है, हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं, और एक इंडिपेंडेंट पहलू इंटरनेशनल ट्रेड, समझा आपको मेरी बात, डिड यू गेट माय पॉइंट, यस। सो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस मतलब होता है पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट फॉर पब्लिक। सर क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट फेलियर, कि भैया ये जो मार्केट है ना, मार्केट यानी इकोनॉमी, ये फेल क्यों होती है, कौन कौन से एंगल्स में फेल होती है,
फिर हम पढ़ेंगे कि भैया गवर्नमेंट इसको करेक्ट कैसे कर सकती है। मार्केट में जो चल रहा है ना फेलियर, मार्केट फेलियर मतलब मार्केट सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। सो भैया सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हम गवर्नमेंट के बेटा एक्शन, ठीक है, गवर्नमेंट के पढ़ेंगे इंटरवेंशन। तीसरा पढ़ेंगे बेटा गवर्नमेंट फंक्शन, ये बेसिकली थियरी है। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, न्यू बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, लिक्विडिटी प्रेफरेंस पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर तीन थियरीज है। और लास्ट है बेटा फिस्कल पॉलिसी, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। इसके अंदर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी कब आती है, गवर्नमेंट कब क्या करती है। तो अगर आप इस चैप्टर को पूरा मैक्रो व्यू में देखेंगे तो पहले हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या परेशानी है, उसका निवारण क्या लेकर आते हैं, वो स्टैंडर्ड थियरीज क्या है, और भैया एक्चुअली फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है। बड़ा ही आसान चैप्टर है, बट ट्रस्ट माय डियर स्टूडेंट थोड़ा लेंदी आपको जाएगा लेकिन आसान बहुत है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी में आप समझे, पहले मार्केट फेल होता है देखेंगे, फिर गवर्नमेंट उसे करेक्ट कैसे करता है देखेंगे, फिर कुछ थियरीज है स्टैंडर्ड वो देखेंगे, और फिर पॉलिसीज को पढ़ेंगे। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होगा। सो भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस के अंदर मार्केट फेलियर। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर पब्लिक। मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है, मार्केट फेलियर का मतलब होता है जनरली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी एफिशिएंटली वर्क करती है। इट इज अज्यूम दैट इकोनॉमी वर्क्स एफिशिएंटली, इट इज अज्यूम दैट देयर इज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाउएवर इन रियलिटी सम टाइम, नॉट सम टाइम, मेनी टाइम देयर आर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन, दैट इज नॉन ऑप्टिमम प्रोडक्शन, दिस लीड्स टू मार्केट फेलियर। तो बता रहे मार्केट फेलियर का मतलब ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मार्केट एफिशिएंट है, यहां पे सारे रिसोर्स ऑप्टिमम एलोकेशन के साथ चल रहे हैं, पर बेटा रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में आइदर अंडर प्रोडक्शन होगा या तो ओवर प्रोडक्शन होगा, यानी ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होता है, और इसी को बोला जाता है मार्केट फेलियर। पढ़िए बेटा मार्केट फेलियर, द जनरल बिलीफ इज दैट मार्केट आर अमेजिंगली कॉम्पिटेंट इन ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी, मार्केट को सक्षम माना जाता है, एज दे आर जनरली एफिशिएंट एंड केपेबल ऑफ अचीविंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाउएवर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस मार्केट फेलियर अकर। तो ये मार्केट फेलियर क्या है, मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच फ्री मार्केट लीड टू मिस एलोकेशन ऑफ सोसाइटीज की रिसोर्सेज। मिस एलोकेशन म्हणजे काय, ओवर प्रोडक्शन या तो अंडर प्रोडक्शन, यानी ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं होता है, लीडिंग टू लेस देन ऑप्टिमम आउटकम। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन इन विच परफेक्ट मार्केट लेफ्ट टू इटसेल्फ इज इनएफिशिएंट। ये बोल रहे हैं मार्केट फेलियर इसलिए होता है, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ देते हैं। बेटा मान लो बेटा अभय है, अभय विद ए, अभय को मैं बड़ा एफिशिएंट मानता हूं, अभय की बहन है अभया, शी इज ऑल्सो विद ए बट शी इज अ गर्ल। अब मम्मी पापा अज्यूम कर रहे हैं कि भैया ये एफिशिएंट है, जैसे ही मम्मी पापा जाते हैं दूसरे को कूट डालते हैं बेटा, ये कूट डालते हैं, तो बस वही बोल रहे हैं कि मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, लेफ्ट टू इटसेल्फ इज इनएफिशिएंट। बात समझ में क्या बेटा, लव लुहान कर देते हैं बेटा। सो अभय विद ए द बॉय एंड अभया विद ए द गर्ल, दोनों फाइट करते हैं बेटा। बात समझ में क्या, मार्केट फेलियर क्या है, मार्केट फेलियर बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लेफ्ट द मार्केट ऑन इट्स ओन, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो देयर विल बी आइदर अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन, दैट मींस नॉन ऑप्टिमम प्रोडक्शन, एंड दिस विल लीड टू मार्केट फेलियर। बेटा समझा क्या मार्केट फेलियर। अब ये फेलियर दो साइड के हो सकते हैं, आप मुझे दो मिनट दीजिए, मैं थोड़ा ना चाय पी लेता हूँ, मैं सुबह उठा हूँ 5:30 बजे से, मैं इतना तकलीफ, मैं खाना नहीं खाया, मैं आके सो गया था, और चाय पी लेता हूँ, ठीक है, मुझे 2-5 मिनट देते, नाश्ता भी कर लेता हूँ, है ना। आप पढ़ो कोई तो तकलीफ है तो देखो बताओ मुझे, मस्त चेक करिए। हाँ जी, अरे भाई सचिन तू तो ईद के चांद से भी ज्यादा दुर्लभ हो चुका है, फिर फटका मारने आता है दिखता ही नहीं है, आता है चला जाता है, क्वेरी पूछेगा कुछ फिर गायब हो जाता है, दुर्लभ हो गया तेरे दर्शक बहुत जल्दी। ये वाला सचिन नहीं दूसरा, तेरे को जनरली एक्सटिंक्ट लोगों की गिनती में डालने वाला था मैं।
देखा, वो जवाब भी नहीं देता, चला गया आपका सचिन, कोई बात नहीं, दूसरा सचिन उसके भी आपका आंसर। अच्छा बेटा मार्केट फेलियर मतलब समझे, ठीक है मार्केट फेलियर मतलब समझेगा, अरे बहुत सिंपल है सर, लेफ्ट टू द मार्केट और इट्स ओन, मार्केट को ख्याल पे छोड़ दिया जाए, लेस देन ऑप्टिमम एलोकेशन होगा, यानी आइदर अंडर प्रोडक्शन होगा या तो ओवर प्रोडक्शन होगा, बट सर बराबर बैलेंस नहीं रहेगा। गुड इवनिंग बेटा, बहुत गुड इवनिंग। अब बेटा ये फेलियर दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिमांड साइड फेलियर और दूसरा होता है सप्लाई साइड फेलियर। बहुत सिंपल है, डिमांड साइड फेलियर कब अकर होता है, व्हेन डिमांड कर्व डज नॉट टेक इनटू अकाउंट विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू पे। कुछ समझाएंगे सर, एग्जांपल से समझेगा, डिमांड साइड फेलियर आर सेट टू अकर व्हेन डिमांड कर्व डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू पे। फॉर एग्जांपल बेटा ये देख रहे हो, ये गार्डन है, मेरे घर के बाजू का गार्डन है, सच बता रहा हूँ, मेरे घर के पास का गार्डन है बेटा, ये मेरे घर की बाउंड्री वॉल है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ही गार्डन है, मैं ही उगाया बेटा। अब क्या होता है बेटा, ये लड़की तुम जाते हो, कौन है, ये रूपाली है बेटा, ऐसा नहीं होगा, अरे हाँ ये लड़की रूपाली है, अरे रूपाली रोज यहाँ से जाती है बेटा, और ये झाड़ों की सुंदरता को इंजॉय करती है बेटा, ये फूलों की खुशबू लेकर चली जाती है बेटा, ये तरोताजा प्रफुल्लित अच्छे चित्त मन के साथ निकलती है, और जब भी मैं ऐसे बोलता है रूपाली पैसे दे रहा, तो पैसे नहीं देती है। ये फेलियर है मार्केट का, ऐसे कैसा फेलियर हो गया, ये एक्जैक्टली दिस टाइप ऑफ फेलियर अकर्स बेटा। मार्केट के अंदर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं जिसके लिए पीपल आर नॉट रेडी टू पे, ये भी एक प्रकार का फेलियर है। सर क्यों फेलियर कह रहे हो, क्योंकि बेटा हम लोगों ने आपको सप्लाई तो कर दिया, पर आप लोग विलिंगनेस ही नहीं दिखा रहे पे करने की, आप डिमांड ही नहीं दे रहे, आप कंज्यूम कर रहे हो बट डिमांड ही क्रिएट नहीं कर रहे, आप पे करने के लिए रेडी है, यार ये तो गलत बात है सर, इससे क्या परेशानी हो जाएगी, ऐसे बिल्कुल होगी भैया। अगर ऐसा ही होता रहा तो लोग नए नए इस टाइप के प्लांट्स वगैरह नहीं लगाएंगे, ऐसे गार्डन नहीं बनाएंगे, आज के टाइम देखिए वही समस्या होगी। मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर बेटा प्ले ग्राउंड, गार्डन, पार्क सब गायब ही हो रहे धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी नहीं था, तो मार्केट से ऐसे गुड्स गायब होते चले, तो इसको बोलते डिमांड साइड प्ले। गायत्री का मैसेज फेक रहे, फेक नहीं रहे, रूपाली से पूछो, तुम यकीन नहीं, रूपाली तो रोज यहीं से गुजरती है ना बता, ये बच्चों को यकीन ही नहीं होता, हाँ बोलिए रूपाली पैसे देती नहीं है, लुचिए रूपाली। सो बेटा ध्यान देना, डिमांड साइड फेलियर का मतलब क्या होता है कि भैया डिमांड कर इज नॉट टेकिंग इन अकाउंट फुल विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू पे, भैया यूज करना है तुमको, पैसा नहीं देना भैया, ठीक है। ये बच्चे रहते हैं बेटा, कुछ बच्चे मैराथन देखते हैं हमारा, कुछ बच्चे फास्ट ट्रैक देखते हैं, बहुत तरह के बच्चे रहते हो, अगर हम अनाउंस करते हैं तुम्हारे लिए फ्री मैराथन है, फ्री 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 फास्ट ट्रैक है, फ्री फ्री फ्री, भैया एक दिन भी लेट होता है मास्टर कल का टाइम पर डाला चाहिए, मेरा कीमती समय वो तो पकड़ है डाल टाइम पे, तो ये इससे क्या होता है, मार्केट में लोग फिर ऐसे प्रोडक्ट डालना ही बंद कर देते हैं, हजारों में आते हैं, समझे नहीं, कहाँ फ्री का बोलो, पहले पांच लेक्चर में हजारों आते हैं, फिर बाद में पढ़ने वाले लोग रहते हैं। अच्छा एक चीज अच्छी हुई आज के टाइम पे, ये कोविड के टाइम पे बहुत फ्री 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 स्टफ चल रहा था, फ्री स्टफ बंद हो रहा है धीरे धीरे, अच्छा नहीं तो ये वाला फेलियर होता था बेटा। आप ही बताइए, अगर कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी नहीं है, समझो मैराथन जैसी चीजों के लिए, चलो मैराथन तो हमारा एक चारा होता है मछली को पकड़ने के लिए, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए चारा होता है, पर लोग फास्ट कैसे प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करते बेटा, तो फिर क्या होता है, डिमांड साइड फेलियर करोगे, कंज्यूमर का डिमांड कर ले ही नहीं रहा बेटा, उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहा कंज्यूमर की विलिंगनेस, फिर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाते हैं। दूसरा है सप्लाई साइड फेलियर, डिमांड साइड फेलियर अकर्स व्हेन डिमांड कर्व डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू पे। लैंग्वेज अजीब है, मतलब बता दिया। अब सप्लाई साइड फेलियर अकर्स व्हेन सप्लाई कर्व डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल कॉस्ट। सर क्या मतलब, मान लीजिए बेटा ये देखिए, मैं तुमको सत्य घटना पर बात बता रहा हूँ बेटा, कौन थी वो लड़की जो ठेक रहे थे, गायत्री, तो भैया गायत्री, गायत्री शुगर मिल बहुत बड़ी छोटी सी कंपनी है बेटा, ठीक है बहुत बड़ी छोटी सी कंपनी है, तो बेटा ये बहुत बड़ी छोटी सी कंपनी में क्या करती है, शुगर मिल के अंदर शुगर बनाती है। क्या बात है सर, क्या बात है, ये तो बड़ी दुर्लभ चीज है, शुगर इंडस्ट्री में शुगर बनाई है, बनाती है बेटा, ये इसमें लैंड लेबर कैपिटल अंदर लगाती है, और 30 रुपए में इसको ये बनके तैयार हो जाता है, बोलती है नॉर्मल मार्जिन 25% ऐड करूंगी, समझो 35 रुपए आ रहा है, ये बोलती है मैं नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन 5 रुपए ऐड करूंगी, 40 रुपए में शक्कर बेच दूंगी, और इसने 40 रुपए में शक्कर बेच दी। क्या तकलीफ है भाई तुमको आदित्य सर, हर चीज में तकलीफ नजर आती है। गायत्री शुगर मिल एक बड़ी सी मिल की छोटी सी मालकिन बेटा, बड़े से बेटा बिजनेस के अंदर छोटा सा काम करने वाली, गायत्री शक्कर बनाती है 35 रुपए में, 5 रुपए बेटा प्रॉफिट जोड़ते 40 रुपए की, तकलीफ क्या भाई तुमको, तकलीफ है सर, क्या तकलीफ है, ये 40 रुपए बेचती है, तो क्या सर बेटा ध्यान देना, ये जो पॉल्यूशन है गायत्री ने ही किया है, समझ रहे, नदियां गंदी करी है बेटा इसने, ये लैंडफिल्स गंदे किए हैं बेटा इसने, हाँ सर वो तो क्या अभी शुगर इंडस्ट्री के अंदर होता है, तुम्हें इसकी भी कॉस्ट जोड़नी चाहिए। सर क्या मतलब है कॉस्ट जोड़ना चाहिए, तुम्हें क्लीनिंग के नाम पे भी 10 रुपए जोड़ने चाहिए, और तुम्हें ये शक्कर 50 में बेचनी चाहिए, अरे सर मैं कोई जानबूझ के थोड़ी ये चीज करती हूँ, ये तो इनेविटेबल पार्ट है, तो होता ही होता है, हाँ तो करो 10 रुपए और एक्स्ट्रा वसूल करो, और गवर्नमेंट करो, ये तुम वो करते नहीं हो, प्रदूषण पोल्यूशन करते रहते हो सर, लेकिन 50 रुपए करने से डिमांड भी तो कम हो जाएगी, वही तो हम चाहते हैं, जैसे ही तुम ये 10 रुपए कलेक्ट करना चालू करोगे, हम सरकार के पास पैसे आ जाएंगे, हम ये क्लीन कर देंगे, और जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी अगली बार से पोल्यूशन कम हुआ करेगा, हम यही तो चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। समझे बेटा इसका मतलब, तो भैया आपके सप्लाई कर में आपने ये खर्चा जोड़ा ही नहीं, आपको ये भी जोड़ना चाहिए था, अब मैं आपको एक गजब का एग्जांपल देता हूं, बोले सर ये तो आप हवा में बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है, गायत्री अभी आंचल लगा दी, बोले सर क्या हवा में बातें करते नहीं बेटा, आपके पास गाड़ी होती है डुडू भी आपकी बेटा, क्या वो गाड़ी पॉल्यूशन करती है, क्या वो गाड़ी पॉल्यूशन करती है, करती है, तो गवर्नमेंट आपको पावती निकालने के लिए बोलती है, कौन सी, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट बोलती भाई साहब पॉल्यूशन करने से तो तुम बाहर नहीं आओगे, तो हर 6 महीने में पीयूसी के नाम पे 50 रुपए का कटवाओ पावती, और ये 50 रुपए हमको दो, हम ये पोल्यूशन को अमेंड करेंगे, हम थोड़ा सा ठीक करेंगे, हम रेक्टिफाई करेंगे, साफ सफाई क्लीनिंग करेंगे। अच्छा सर मतलब ये सप्लाई साइड फेलियर हो रहा था, तो उन्होंने इनडायरेक्टली करेक्ट कर लिया, यस, तो आगे जाकर हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी हम सब फेलियर पढ़ रहे हैं, फिर गवर्नमेंट क्या करती है वो पढ़ने वाले, समझा क्या आपको, तो दो टाइप के फेलियर होते हैं, एक होता है बेटा डिमांड साइड फेलियर, डिमांड साइड फेलियर में आपको सुख शांति तो बेटा आपको सारे सुख भोगने हैं, पर पैसा नहीं देना है बेटा, बहुत गलत बात है बेटा, नए सुख की प्राप्ति, अब मैं आपको बताता हूं ये अभय रिता ए क्या करता है बेटा, पुणे आता है, पुणे में FC रोड है, फर्ग्यूसन कॉलेज रोड, ठीक है, वहां पर बेटा शनिवार और रविवार को
कन्याएं घूमती है बेटा, बहुत सारी, सैकड़ों में, हजारों में कन्याएं घूमती है, क्योंकि वहां पे मार्केट है ये क्लिप्स वगैरह का, बैग्स वगैरह का, लड़कियों का मार्केट है। तो ये जाता है बेटा, ठीक है, कन्याओं का, वहां पे कन्याएं खरीदती है, ये दूर से नैन सुख लेता है, बर्ड वॉचिंग करता है, चिड़ियाओं को देखता रहता है, वाह 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 लाल परी चिड़िया चल रही है, वाह वाह अच्छा लगा। पर क्या कभी तूने पैसे देने के बारे में सोचा उनको? नहीं, देना भी मत भैया, मार देंगे वो तेरे को, कुछ गलत समझ लेंगे तो देना भी मत। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी डिमांड साइड पे क्लियर है। दूसरी केस में बेटा, तुम अंडर प्राइसिंग कर रहे हो, तुम भैया सर्विस तो यहाँ पर दे रहे हो लेकिन पोल्यूशन भी कर रहे हो, उसका खर्चा कौन जोड़ेगा? समझ गए कि नहीं? सर आप क्या कर रहे थे वहां पे? मेरी क्लासेस है ना बेटा वहां पे पास में, शुक्रवार के पेट के पास ही है फर्ग्यूसन कॉलेज, एफसी कॉलेज। अब मैं तो पुणे में रहता हूँ ना, आप भी पुणे में रहते हो क्या? 12 साल से पुणे में हूँ, नहीं 10 साल से। समझ में आया क्या? वहीं पे सारी सीए की क्लासेस है ना बच्चा, शुक्रवार पेट में, जैसे यहाँ लक्ष्मी नगर है, तुम्हारा लक्ष्मी नगर एरिया है, शुक्रवार पेट के अंदर बेटा एक कॉम्प्लेक्स है, प्रेस्टीज पॉइंट, उसी में सारी क्लासेस है। ये मक्का मदीना भैया, सीए स्टूडेंट्स का, सीए स्टूडेंट्स का, सीएम स्टूडेंट्स का, तीनों का बच्चों का गजब एरिया है बेटा। तुम ऐसे एक पत्थर मारोगे ना, कम से कम जमीन पे गिरने से पहले 12 सीए के सिर पे, 12 सीए स्टूडेंट्स के सिर पे लगे, यहाँ इतने हो चुके हैं वहां पे। तुम आवाज दोगे ना बेटा, ए चश्मेश, सब पलटेंगे, सभी को चश्मा लगा, इतना पढ़ते अलग जाए, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है वहाँ पे। हम चलते भी ना बच्चे घर, तो आज तो रात जाओ, 2 साल से तो गायब था, घर से पढ़ा रहा था, किधर जाते, तो यूट्यूब देखना सर, फोटो फोटो आ रहे थे पहले, आओ पीछे। हाँ, लक्ष्मी नगर एक एरिया है बहुत बड़ा, प्रेस्टीज पॉइंट की खास बात क्या है, वो एक ही कॉम्प्लेक्स में सब कुछ है, कम से कम 2500-3000 बच्चे बेटा एक ही कॉम्प्लेक्स में, इतने सारे सीए एक साथ, पागल हो जाता है इंसान देख के। मैं कॉलेज के अलावा नहीं जाती वहां। हाँ तू क्या करेगी लड़कियों को देख के? तू थोड़ी देखेगी, वो तो उसका काम है, अभय देख, जबरदस्ती अपना बता दिया, मैं जानने नहीं, तू जाती है क्या, हमको क्या करना बता। ले भैया, क्या आपको मार्केट फेलियर समझ में आया? यस सर, नोट लिख पाओगे? यस सर। सो मार्केट फेलियर अकर्स व्हेन देयर इज लेस देन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, दैट मींस आइदर प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्शन और ओवर प्रोडक्शन। मतलब क्या सर? लेफ्ट द मार्केट ऑन इट्स ओन, मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए, तो या तो अंडर प्रोडक्शन होगा या तो ओवर प्रोडक्शन होगा, व्हिच इज कॉल्ड एज मार्केट फेलियर। दो टाइप के फेलियर होते हैं, डिमांड फेलियर व्हेन डिमांड कर्व डज नॉट टेक इनटू अकाउंट विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर, सप्लाई साइड फेलियर अगर व्हेन सप्लाई कर्व डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल कॉस्ट। बट यहां पर कॉस्ट बड़ी यूज किया है, यहां पर विलिंगनेस यूज करी, ठीक है, पढ़ना मेरे बात पे नहीं। ये तो फेलियर है। अब फेलियर चार प्रकार में कैटेगराइज करे जा सकते हैं, ठीक है भैया। मार्केट फेलियर जो है ना, उसको चार पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, और ये चार पार्ट पढ़ते पढ़ते बेटा यूनिट खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, इतना छोटा सा यूनिट है? आइए ना, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी चिन्नास्वामी वेणुगोपाल अय्यर, तेरा चप्पल ले वित्त हमें आगे, वेणुगोपाल अय्यर, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा? जैसे धमाल मूवी के अंदर बोला था कि नाम लेते लेते गोवा आ जाएगा, उसी तरीके से चार पॉइंट समझते समझते यूनिट खत्म हो जाएगा। मतलब ये यूनिट अच्छे खासे बड़े हैं, बहुत ही छोटा है, मतलब बिल्कुल रोहन समझदार है। राजशेखर श्रीनिवासना त्रिचुपल्ले श्रीगोपाल वेणुगोपाल अय्यर, बहुत मस्त मूवी थी, क्यूट सा यूनिट है बस। चलिए भैया, अब हम इसमें से चार मार्केट फेलियर की चर्चा करते हैं। पहला, मार्केट पावर एक मार्केट फेलियर होता है, मार्केट पावर एक फेलियर का प्रकार है, एक्सटर्नैलिटी एक फेलियर का प्रकार है, पब्लिक गुड एक फेलियर है, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एक फेलियर है। ये ना सीए स्टूडेंट को झिकता ही नहीं है, वो बोलता है सर इसमें मनी तो कहीं दिख नहीं रही है, नेशनल इनकम में पैसा, मॉनिटरी पॉलिसी में पैसा, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड हो रहा है सर, एफएम में पैसा, कॉस्टिंग में पैसा, अकाउंट्स में पैसा, सर सब जगह पैसा पैसा, ये क्या बात चालू है? ठीक है, श्रीलंका के जितने भी पुराने प्लेयर थे उन सबका नाम लिया है उसने, मेरे को वैसे लगता पैसा की तरह से हम कैसे समझेंगे चैप्टर को। तो भैया यहां पर ऐसा ही होता है, यहां पर पैसे की बात नहीं है। तो भैया चार रीजन है मार्केट फेलियर के, पहला है मार्केट पावर, दूसरा है एक्सटर्नैलिटी, तीसरा है गुड्स, जिसके अंदर पब्लिक गुड्स की चर्चा होगी, प्राइवेट गुड्स की भी चर्चा होगी, और बेटा लास्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। बस ये चार पढ़ते पढ़ते यूनिट खत्म हो जाएगा, काफी छोटा सा यूनिट है। आइए बेटा पढ़ते हैं मार्केट पावर। सर अभी तो पढ़ा मार्केट पावर है, अभी मार्केट फेलियर पढ़ा, हां वो फेलियर था सर, वो लेस देन ऑप्टिमल लोकेशन, बोले डिमांड साइड फेलियर, सप्लाई साइड फेलियर, रूपाली भाग रही थी, गार्डन सूंघ रही थी बेटा, वो क्या था डिमांड साइड, और कचरा कर रही थी गायत्री, वो क्या था सप्लाई साइड, अच्छा वो फेलियर था, ये क्या पावर। तो बेटा मार्केट पावर का मतलब क्या होता है? मार्केट पावर का मतलब होता है बेटा मोनोपोली, क्या बात कर रहे हो, यस मार्केट पावर का मतलब होता है मोनोपोली। सो मार्केट पावर का मतलब है एबिलिटी ऑफ द फर्म, मार्केट पावर इज बेसिकली एबिलिटी ऑफ द फर्म टू सक्सेसफुली रेज द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट फॉर गेन बेटा। बेटा ये क्या बोल रहे हैं, मार्केट पावर एक ऐसी घटना है जहां पर मोनोपोलिस्ट कमोडिटी का दाम इतना बढ़ा देता है, उसकी कॉस्ट से भी ज्यादा बढ़ा देता है कि वो सुपर प्रॉफिट अर्न करता है। तो आप बोलोगे तकलीफ क्या है, तकलीफ है ना भैया, अब तो मोनोपोलिस्ट है, तानाशाही करेगा, आप सभी जानते हैं मोनोपोलिस्ट के केस में बहुत परेशानी है, हमने फाउंडेशन में पढ़ी थी बेटा, मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन करता है, मोनोपोलिस्ट लेबर को कम पैसा देता है, मोनोपोली आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करता है, मोनोपोलिस्ट बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, मोनोपोलिस्ट पावर का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरवीन करता है, मोनोपोलिस्ट सुपर प्रॉफिट अर्न करता है। तो बेटा तकलीफ है ना, तो ये मोनोपोली क्रिएट होना यानी मार्केट पावर क्रिएट होना एक समस्या का विषय है। तो मार्केट पावर या फिर मोनोपोली का मतलब है एबिलिटी ऑफ द फर्म टू सक्सेसफुली रेज द प्राइस ऑफ कमोडिटी मोर देन इट्स मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट से भी ज्यादा रेज करना टू अर्न सुपर नॉन प्रॉफिट, ये बहुत गलत है, ये होता है मार्केट पावर। बात समझ में सिंपल छे कि नहीं, एकदम सरस सर। ठीक है, एकदम सही। अब बेटा कैसे करता है ये मार्केट को नष्ट कैसे करता है, कैसे बर्बादी करता है? लोअर आउटपुट,
जान बूझ के बेटा ये लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मार्केट वाले बोले हाय हुकू हाय हुकू हाय हाय, अरे इतना कम आउटपुट है, अरे बोली भैया चलो फटाफट ले लेते हैं, अरे इसके अलावा कोई और बेचता भी नहीं है कमोडिटी को, चलो फटाफट से ले लेते हैं, अरे दो ही तीस बाकी हैं, चलो आए दाम पर ले लेते हैं, मुमा के दाम पर ले लेते हैं, ऐसे करता है बेटा, जान बूझ के लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करता है ताकि आर्टिफिशियल स्केसिटी क्रिएट करे। मुझे चाहिए मुझे चाहिए, देखो हमारी क्लास में शुरू हो गए, नहीं एप्पल नहीं ना बेटा, एप्पल ऐसा थोड़ी बोलता है कि मेरा स्टॉक आउट होने वाला है। लोअर आउटपुट, लोअर आउटपुट का एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों ने फ्लैश सेल के बारे में सुना है क्या, फ्लैश सेल 7 सेकंड 8 सेकंड में मोबाइल फ्लैश सेल में स्टॉक आउट हो जाते हैं, वैसे ही घटता है आर्टिफिशियल स्केसिटी। एमआई का स्टार्टिंग में था, बाद में पता चला कि कुछ नहीं, फोन में कम नहीं था। लोअर आउटपुट, एक्सेसिव मार्केट पावर को सिंगल प्रोड्यूसर और स्मॉल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एंड सेल लेस आउटपुट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड अंडर कॉम्पिटिटिव, जरूरत से कम प्रोड्यूस कर रहे हो, जान बूझ के आर्टिफिशियल स्केसिटी। अगर आपको ग्राफ की भाषा समझ में आती है तो मैं आपको बताता हूं बेटा, ये डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम से इतना प्राइस और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये जान बूझ के बेटा सप्लाई कम करते हैं, क्या होता है कम क्वांटिटी बेचते हैं, इतनी क्वांटिटी कम है लेकिन बेटा प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, आर्टिफिशियल स्केसिटी। और इनका होल्डिंग भी उसी में आता है, यस, पर वो मोनोपोली का केस नहीं है, वो आर्टिफिशियल स्केसिटी का केस जरूर है। दूसरा है बेटा हायर प्राइसेस, कई बार ये ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, तुम मोनोपोलिस के पास जाते हो बोलते भाई साहब मुझे कमोडिटी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा भाई साहब हम कमोडिटी इतनी अच्छी बेचते हैं, तो बोलते कितने में, ये बोलते 80,000 रुपए, क्या 80,000 रुपए इतना महंगा देना है, अरे पहली फुर्सत में निकल 80,000 में तेरा घर जाएगा, अरे यहां से निकल यहां से, कोई अमीर को आ जाए, तो जान बूझ के हायर प्राइस चार्ज करते हैं बेटा तुमसे। फर्म विद मार्केट पावर आर प्राइस मेकर, दे कैन चेंज अ प्राइस, चार्ज होना चाहिए, चार्ज अ प्राइस दैट गिव्स देम पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट देते हैं। पूरा डायलॉग बोलो नहीं रे भाई, एक तो हिंदुस्तानी भाव और वो दूसरा वो जो भी है उसका तो नाम भी नहीं पता, कोई फेमस ही था, पूरा डायलॉग जब भी बोलता हूं पहली फुर्सत में निकल वाला बच्चा अज्यूम कर लेता है, बहुत क्षण है बच्चा। नेक्स्ट मिसिंग मार्केट, सर ये मिसिंग मार्केट क्या होता, मार्केट गायब कर देते सर, अगवा कर लेते क्या, अगवा अगवा नहीं, अगवा नहीं करते, फिर क्या करते सर, मार्केट मिसिंग है तो क्या कर देते बेटा, ये प्रोडक्ट है दुनिया तड़प रही है इसके लिए, मेरे को भी चाहिए, मैनू भी चाहिए, मैनू भी चाहिए, ये प्रोडक्ट गायब भी कर दूंगा मार्केट से, क्या बात कर रहा सर, ऐसा होता है कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कंपनी है P&G प्रॉक्टर एंड गैंबल, तो तुम्हारी FMCG प्रोडक्ट के अंदर बेटा शैम्पू वैम्पू बनाती है, ठीक है जी, क्या करते हैं वो, ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने US की एक कंपनी थी जिसने एक वैक्सीन बनाई थी बेटा, जिसने एक वैक्सीन बनाई थी, ये ऐसी वैक्सीन थी इसको लेने पर आपको कॉमन फ्लू कभी नहीं होगा, कॉमन फ्लू कभी नहीं होगा, ना ना बहुत पुरानी बात है, सर्दी खासी जुकाम होगा, अब भैया समझिए इसका डोज अगर 1,000 रुपए में होगा तो भी तुम लोग तो ले लेता ना, मैं भी ले लेता, ऐसे इनको बनाने का तो कोई खर्चा आता नहीं, खास 1,000 में ले लेते, पर जरा सोचो बेटा प्रॉक्टर एंड गैंबल का कितना नुकसान होता है इससे, अब भैया एक आदमी अगर बीमार पड़ता है आप ही सोचिए बेटा, सबसे पहले विक्स तो लेता ही लेता है, ठीक है, सबसे पहले वो बाम लेता ही लेता है, और भी P&G के कुछ प्रोडक्ट्स है बेटा वो उसको लेता ही लेता है, तो बेटा इनका ये कह रहा था ये 1,000 रुपए के चक्कर में एक आदमी औसतन एक साल में कम से कम एक बार तो बीमार होता ही है, कम से कम, कुछ लोग तो फॉरएवर मरीज होते हैं, 5-5, 6-6 बार बीमार होते हैं, तो कम से 1,000 रुपए की चट्टी मार देता है, और अगर 60 साल तक जी गया 60,000 रुपए की चट्टी, ये तो कम से कम बोल रहा हूँ, 1,000 रुपए का ड्रग बेटा इतने बड़े मार्केट को नष्ट करने वाला था, तो ना रातों रात इसको खरीद दिया, गायब कर दिया, तो गलत बात है। हाँ वो कितने प्यारे थे बेटा, वो उसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, 3 फ्लेवर आते थे, मस्त होता था वो, मतलब मेरे टाइम पे वो इलीट प्रोडक्ट मानता था मैं कि भैया स्कूल में अगर वाइट्स वाला वो लेकर गया मतलब भैया व्हाट है अपना रॉब है अपना, अब पता नहीं मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया बेटा। ये US है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मूर्खों का बाजार है बेटा, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग बन जाते हैं बेटा प्रेसिडेंट, उसके बाद बाइडन आता है, बाइडन को होश ही नहीं है, इधर हाथ मिलाया था किसी से वापस वो इंसान चला गया, फिर भूल गया हाथ मिलाया, क्या करते हैं वहां पे तो चलता है बेटा कैपिटलिज्म है, क्या ही बोलेगी गवर्नमेंट, कुछ नहीं बोलती गवर्नमेंट, कहीं कहीं अब भी मिल जाता है, अच्छा निकला उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया, अच्छी चीजें गायब कर दी बेटा, समझे क्या बेटा, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मार्केट पावर मोनोपोली का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू सक्सेसफुली राइज द प्राइस ऑफ कमोडिटी टू गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, टेक्निक क्या है, लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, हायर कॉस्ट या प्रोडक्ट इज गायब कर देंगे। कंक्लूजन, दिस इज हाउ बाय कीपिंग आइदर हायर प्राइसेस और लोअर आउटपुट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड समटाइम्स टोटली एलिमिनेटिंग द गुड फ्रॉम द मार्केट, मार्केट पावर लीड टू मार्केट फेलियर, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इस तरीके से कभी लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करके, कभी हायर प्राइस से, कभी मिसिंग मार्केट से बेटा ये लोग मार्केट का एक्सप्लॉइट करते हैं, यही मतलब है मार्केट पावर का, और यही मार्केट फेलियर लाता है, हो गया, क्या कर रहे सर आप तो जबरदस्ती डरा देते हैं हमको कि यूनिट बहुत बड़ा होगा, खत्म हो गया सर 4 में से 1 मार्केट फेलियर, तो खत्म होगा मार्केट पावर, मोनोपोली के लिए ये सारे टेक्निक चाहिए ना सर, हाँ मोनोपोली के लिए चाहिए। डन है, चिट डन है, पहला खत्म हुआ, अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा एक्सटर्नैलिटी, तो पहला वाला समझा मार्केट फेलियर का मतलब समझा, मार्केट फेलियर के चार टाइप, पहला मार्केट पावर वो समझ गया, मार्केट पावर इज नथिंग बट मोनोपोली, अगला वाला पढ़ते बेटा एक्सटर्नैलिटी, एक्सटर्नैलिटी क्या होता है बेटा, एग्जांपल देता हूं 2-4 एक्सटर्नैलिटी, फाउंडेशन में भी कुछ बच्चों ने सुना है पर यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए बेटा ये एक पब्लिक गार्डन है बेटा,
मान लिया सर, पब्लिक गार्डन है बेटा, मस्त वाला। हाँ सर समझ समझ, ठीक है। ये 3-4 दिन के लिए तुम्हारे सर कलावल हटा देते हैं। हरे कलर का गार्डन है बेटा, मस्त क्यों। यहाँ पर ऋषभ बैठा हुआ है बेटा प्रियम के साथ, पार्क में दोनों बैठे हैं अकेले। अरे एक्सडी एक्सडी का भाई है वो सर्गी, और वो भी जुड़वा। ये क्या एक्सडी एक्सडी लगा रहे हो आप इसके अंदर? हाँ दोनों भाई है, हद हो गया। कमाल यार, दोनों सर्गी भाई वो भी जुड़वा, ऐसे थोड़ी होता है। आइसक्रीम खा रहे थे कि हे भगवान, तोबा 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 तोबा, थाला भूल खराब कर दिया। संस्कार बैठा है, असंस्कारी आदमी संस्कार बैठा है। अब तेरे को तो बिठाऊंगा नहीं, तेरे को नाले खड़ा ही करूंगा संस्कार। आइसक्रीम खा रहे थे कि संस्कार खड़ा है बेटा यहाँ पे, क्या कर रहा है? हाथ में बुक लेकर पढ़ रहा है एक्सटर्नैलिटी का मतलब। एक कोल्ड ड्रिंक दोस्त, तोबा तोबा तोबा, थाला मूड खराब कर दिया। तोबा तोबा, क्या क्या इमेजिन करने पर मजबूर कर रहे हो बेटा तुम लोग। तुम्हें समझ रहा है कितनी कष्ट पीड़ा दुख संकट हो रहा है मुझे सुन के। तोबा तोबा तोबा, थाला मूड खराब कर दिया। पढ़ रहा था बेटा, अब कावरा बावरा ही है। संस्कार तो तुम शुरू से जानते बेटा, कावरा बावरा ही है। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ। अब भैया सत्य घटना। अरे सर दो भाई साथ में आइसक्रीम नहीं खा सकते। बेटा मैं तुम्हारा मतलब, ये चार यहाँ पे स्माइलिंग फेस का मतलब मैं समझता हूँ बेटा। तुम लोग गंदे बच्चे हो प्रियम, मैं होता तो गोली मार देता संस्कार को। कौन सी गोली? वो छर्रे वाली ही से। ठीक है अदिति, तू हंस क्या रही है? अदिति भी यहाँ पर थी बेटा, तुम लोगों का ध्यान नहीं है। तुम लोग आजकल प्रियम पे बहुत ही ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर अदिति भी आई थी बेटा लिपस्टिक लगा के। सर ये क्या कर रही है? ये अपने इधर टॉमी द डॉग को घुमाने लेकर आई है बेटा। क्या तुम देख सकते हो टॉमी द डॉग? नहीं सर अभी तक तो नहीं, अभी तुम्हें दिख जाएगा टॉमी द डॉग। ये है टॉमी द डॉग बेटा, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या जरा ध्यान दीजिए। अब मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट बताने वाला, उस दिन का क्या हुआ बेटा। बड़ा हो गया सर वो। अब सुनना बेटा, उस दिन मेरे सामने की बात है कि ये कुत्ता छूट गया बेटा इसके हाथ से, अदिति के हाथ से टॉमी द डॉग छूट गया। खचैक, काट लिया बेटा उसको, काट लिया। समझ रहे हो आप बेटा? पर तुम सब लोग संस्कार से तो वाकिफ हो ही बेटा। उसने अपनी टांग कैसे तो भी छुड़ाई और उसने भी कुत्ते को काट लिया बेटा। वो थोड़ी बदला लेने वाले में से नहीं था, उसने कुत्ते को काट दिया। नहीं, कुत्ते को नहीं काटा बेटा, उसने देखा अरे ये तो अदिति का कुत्ता है। अदिति भी बेटा वहां पर आई। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, दिख रहा है कुटकी होगी भैया, कुत्ते ने काट लिया, क्या हुआ? आई एम सो सॉरी संस्कार। तो बोलते अरे अरे नो नो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है, मेरे को आए दिन कुत्ते काटते रहते हैं, मेरा मतलब ऐसा होता है। अदिति तुम इतना टेंशन मत लो, लोड मत लो। ओके ठीक है मैं समझ गई, मेरे कुत्ते को अच्छा कुछ नहीं। अच्छा ओके बाय, चली गई बेटा वो। और तुम देखो बेटा वो मुंह पलट के चली गई, उसने ध्यान भी नहीं दिया। तुम देख रहे हो बेटा कुत्ते को भी लेकर जाएंगे, लेकिन कुत्ते का मुंह वहीं अटक गया है। एक्चुअली क्या हुआ है, डॉग बाइट कुछ ज्यादा ही है, कुत्ते का मुंह वहीं अटक गया। सो वी लीव इट। ले भाई तेरा मुंह ले ले। हाँ जी अभी बुक पढ़ रहा है बेटा। सर क्या बताया आपने पूरे सिचुएशन में? मैंने आपको एक्सटर्नलिटी बताया, क्या बात करो सर, कुत्ता काटा काटी एक एक्सटर्नलिटी है। एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर यानी जो ओरिजिन करता है एक्शन को, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट, बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट। बेटा यहां पर एक व्यक्ति द्वारा करा गया कार्य सामने वाले व्यक्ति को कॉस्ट यानी नुकसान या तो फायदा प्रोवाइड करता है, फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन द मार्केट, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। अगर ये इसको मलम पट्टी के लिए बेटा पैसे दे देती तो बात अलग होती, पर ये एक्सटर्नैलिटी है बेटा। यहां पर एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड्स टू कॉस्ट ऑन रेसिपिएंट फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन द मार्केट, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। अब भैया आप बोले सर ऐसा कैसा, ये कुत्ते का काटना तो दुर्लभ घटना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, तुम लोगों की दुर्लभ घटना लग रही होगी। एक्सटर्नैलिटी का और मतलब समझिए बेटा, ये तरीका है। उस दिन बैठ के बेटा सिगरेट पी रही थी, पूरा वातावरण बेटा दूषित हो गया था। यहां पर प्रियांशु बेचारा पार्क में लेट के पढ़ाई कर रहा था बेटा, उसका मन नहीं लग रहा था इस चीज के कारण। तो इसने क्या नाम है, तनीषा को देखा। तनीषा बोलती है पहली फुर्सत में निकल। अब बेटा जरा ध्यान देना, एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड्स टू कॉस्ट ऑन रेसिपिएंट। एक आदमी के एक्शन के कारण या स्त्री के एक्शन के कारण किसी दूसरे व्यक्ति को बेटा फायदा या नुकसान हो जिसके लिए कोई प्राइस नहीं पे किया गया मार्केट में, इसे बोला जाता है एक्सटर्नैलिटी। मैं इसके आपको अच्छे एग्जाम्पल भी दूंगा, पर ऐसे एग्जाम्पल से काम चल। नहीं नहीं सर यही अच्छे हैं। ठीक है अब ज्यादा ध्यान से। अब कोई बच्चा मार खाने वाला है यहाँ पे। मान लो सुबह सुबह रोहन बेटा, ये रोहन खड़ा है बेटा, दिख रहा है तुम्हें, वैसे ही मदहोश है पता नहीं किस चीज के बेटा। इसके पास से एक सुकन्या गई, वो जॉगिंग कर रही थी बेटा। सुकन्या नहीं लग रही, अब लगेगी। हाँ सुकन्या गई बेटा, और इस सुकन्या ने बहुत ही मध्यम खुशबू वाला परफ्यूम लगा था, वो चक्रे काटे। तो बेटा इसकी खुशबू से ना इसको बहुत अच्छा लगा, एकदम इसका मन ना प्रसन्न चित्त तो बेटा एकदम प्रफुल्लित हो गया खुशबू सुनके। ये क्या इसके पास जाएगा, बेटा बहुत अच्छा परफ्यूम है, 300 रुपए ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। तो बेटा एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड टू बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट, इज कॉल्ड एज एक्सटर्नलिटी।
तो सर तकलीफ क्या है यहाँ पर आप लोगों को? बेटा यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिससे सामने वाले का फायदा या तो नुकसान हो रहा है और उसको मोनिटाइज नहीं किया जा रहा है। ये एक प्रकार का फेलियर है। अगर नुकसान है तो सामने वाले को हमें पनिश करना चाहिए और फायदा है तो रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि पनिश करेंगे तो डिस्करेज होगा ऐसे गलत काम करने से, और रिवॉर्ड देंगे तो बेटा वो सामने वाला बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्या बोलते हो वर्ड अटक गया हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा वो चीज करने के लिए। यस समझ गए, ये होता है एक्सटर्नलिटी। इसके बहुत सारे एग्जांपल है पर अभी मोटा मोटी डेफिनेशन समझ में है क्या? तो डेफिनेशन ऐसी है और आप इसे लिखिए, व्हेन एक्शन ऑफ वन पर्सन की जगह हम क्या लिखेंगे ओरिजिनेटर, इतनी जगह छोड़ देना, यहां पर हमको लिखना ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन, इतनी जगह छोड़ देना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन लीड टू, बेटा सामने वाले का नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है, लीड टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट, उतनी ही जगह छोड़ना बेटा, ड्यूरिंग प्रोडक्शन कंजम्पशन फॉर विच नो प्राइज इज पेड इन मार्केट, फॉर विच नो प्राइज इज पेड इन मार्केट। हमारी चाहत है कि ऐसी चीजों को भी मोनिटाइज किया जाए, हमारी मतलब गवर्नमेंट की, और आप सभी जानते हैं बिक गई है गवर्नमेंट। ऑन रेसिपिएंट बेटा जो एक्शन इनिशिएट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिनेटर, और जिसके ऊपर ये एक्शन पुट ऑन होता है उसको बोला जाता है रेसिपिएंट। अभी तक की डेफिनेशन समझ में आई क्या? यस। अभी जो ब्लैंक है वो भरेंगे। बेटा एक्सटर्नैलिटी दो टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तब होती है जब ओरिजिनेटर रेसिपिएंट के ऊपर कोई ना कोई बेनिफिट देता है, यानी ऊपर वाली डेफिनेशन देखिए, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड टू कॉस्ट को हटा दो बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड टू कॉस्ट ऑन रेसिपिएंट, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बताइए सोसाइटी को डिजायरेबल क्या है? सर डिजायरेबल है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव क्या चाहिए हमको? समझा क्या? ठीक है ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिए। अब बेटा ये दो टाइप की एक्सटर्नैलिटी समझी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जब ओरिजिनेटर रेसिपिएंट के ऊपर कॉस्ट यानी नुकसान करता है ऐसे बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव समझा। और दो टाइप में इसको कैटेगराइज किया जा सकता है बेटा, रेसिप्रोकल एंड नॉन रेसिप्रोकल। पॉजिटिव में कौन सा एग्जाम्पल था बेटा? पॉजिटिव में वो और भी एग्जाम्पल आएंगे, तेरा वाला याद नहीं, वो जॉगिंग वाला हो गया। मान ले बेटा तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठे हो बेटा, ऑलमोस्ट सब बेरोजगार बैठे, जॉब नहीं आ रहा ना, स्टूडेंट को जॉब मिलता है, वहां पर फिर एक बंदा सडनली डिप्रेशन में चला जाता है, गिटार उठाता है और एक ही वाइड फॉल्ट गाना गाएगा, सारी उम्र हम मरमर के जिए, मरमर के नहीं जिए हो तुम, तुमने बहुत मजे मारे हैं, जबरदस्ती का सॉन्ग खुद पे मत डालो, वो सारी उम्र हम मरमर के जिए सीए स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, नहीं चलो इंजीनियरिंग वाले का, सारी उम्र हम मरमर के जिए गाना बजा, और वहां पे सभी एकदम ढक्कल पास लोग भी एकदम उत्तेजित हो, हां ये मेरे लिए गाना बज रहा है बेटा, सडनली इमोशनल हो जाता है वातावरण, सब खुश हो जाते हैं, एनर्जाइज चार्ज, बेरोजगारों की संगठन बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, दे गेट मोटिवेटेड बेटा, दे गेट सो मच मोटिवेटेड। तो बेटा सामने वाला बोलता थोड़ी कि मैं गिटार बजा तुमसे पैसा लेगा, नहीं, तो बेटा ये क्या था, एक्शन ऑफ गिटारिस्ट दैट इज एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड टू बेनिफिट ऑन ऑल द रेसिपिएंट्स, जिसके लिए कोई प्राइस पे नहीं किया गया। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि इंजीनियर्स की मात्रा कम करनी चाहिए, थोड़ी एग्जाम टफ बनानी चाहिए ताकि अच्छे इंजीनियर्स को फटाफट से जॉब मिल जाए, क्या लगता है आपको? गलत होता है बच्चों के साथ, गलत होता है, उन लोगों को कुछ पता नहीं रहता है, उनको लगता है साइंस मतलब या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर, डॉक्टर में पैसा लगता है, इंजीनियरिंग में डालते पता ही नहीं करते। हमारे कॉमर्स में बड़े अच्छे अच्छे बेटा आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, कॉमर्स इज आई एम नॉट सेइंग ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस इट इज बेटर, पर पहले मुझे लगता था साइंस में स्कोप ज्यादा है, पर कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, कॉमर्स में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आज ही देखा है कैट फॉर्म में, कॉमर्स स्ट्रीम फॉर्म में, अच्छा तुमने बहुत कुछ देखा, ये बात समझ में आ गई क्या? आर्ट्स में यूपीएससी, बोलो 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 समझ में आया क्या? यस। अब बेटा रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी और नॉन रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी समझते हैं। यही वाला जो एग्जांपल था बेटा, ये संस्कार है बेटा, असंस्कारी पुरुष संस्कार, ठीक है, इसको बेटा वो कुत्ते ने काटा बेटा, टॉमी द डॉग ने इसको काटा बेटा, कंट्रोल द जेड, टॉमी द डॉग ने इसको काटा, तो बताओ क्या इसने अदिति से पैसे लिए क्या?
क्या इसने अदिति से पैसे लिए? नहीं, तो एक्शन और पैसे दे देती तो बेटा, पैसे दे दी तो एक्सटर्नैलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। ये पैसे नहीं दे रही समस्या इसलिए, देखो मलम पट्टी के लिए पैसे मिल गए तो बात अलग होती बेटा, पर देखो पैसे नहीं मिले तो एक्सटर्नैलिटी है। एक्शन ऑफ टॉमी द डॉग लीड्स टू कॉस्ट ऑन यू रेसिपिएंट फॉर व्हिच नो प्राइस वाज पेड, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बट नॉन रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल मतलब कुत्ते ने तुझे काटा, पर मान ले बेटा आवेश में आके तूने भी कुत्ते को काट दिया, आज तुम्हें तेरे को काटेगा और तूने कुत्ते को काट दिया बेटा, तो ये क्या है? ये नॉन, ये रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी है। जब रेसिपिएंट वापस से ओरिजिनेटर पे कुछ एक्शन इंपोज कर देता है इट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। नॉन रेसिप्रोकल में सिर्फ बेटा एक पार्टी दूसरे पर एक्शन या बेनिफिट एक्शन ओरिजिनेट करती है जिससे कॉस्ट या बेनिफिट होता है। रेसिप्रोकल में दोनों एक दूसरे पर कॉस्ट और बेनिफिट इंपोज करते हैं। समझ में आया बेटा आपको? कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, बात समझ में आएगा? तो अगर कुत्ता तुझे काटे, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बार बार बोलती ना कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम कुत्ते को काटते हो क्या? तुम बोलते हो नहीं, तो तुम नॉन रेसिप्रोकल की बात करो। एक बार कुत्ते को काटते तो देखो रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी का मजा आ जाएगा। मैं असंस्कारी क्यों? कुत्ते को काट रहा है एक तो तू, और ऊपर से हमसे पूछ रहा है बेटा कहाँ कहाँ तेरी बुक्स छू रहा है तू कुत्ते को। अब तौबा तौबा तौबा, तो डायग्राम हटाना पड़ेगा। कुत्ता भी शर्मा गया बेटा, वो देख जा रहा है, वो चला गया भैया। बात समझ में क्या? रेसिप्रोकल और नॉन रेसिप्रोकल, ये डॉग की पिक्चर थी। हाँ बेटा एकदम, वो क्या इंडिया में दिखता नहीं है सड़क, क्रो लग रहा था, नहीं था डॉग तो ही ठीक है बेटा। तो रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी समझे और नॉन रेसिप्रोकल समझे, लीड तो सब करेंगे। अब भैया एक्सटर्नैलिटी के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है जरा ध्यान देना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, समझिएगा बेटा। बेटा आपको ये डेफिनेशन समझ में आई? एक्सटर्नैलिटी मतलब एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट, ठीक है बेटा। कॉस्ट का मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और बेनिफिट का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, समझ में आया? तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी सामने वाले का फायदा होना है, मैं बोलूं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी सामने वाले का नुकसान हो रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये एक्सटर्नैलिटी की डेफिनेशन है। Externality means when action of originator leads to cost or benefit on recipient for which no price is paid in the market is called as externality. बात समझे? अब बेटा definition को और थोड़ा define करते हैं, crude करते हैं, ठीक है? Yes, अच्छा recorded देखा था। बेटा ये जो originator है, ये जब सामने वाले पे externality यानी cost या benefit incur कर रहा है, तब या तो वो production कर सकता है या तो वो consumption कर सकता है। सर production का मतलब मान लीजिए गायत्री शुगर मिल बड़े से बिजनेस की छोटी सी मालकिन, बेटा ये क्या कर रही है? ये pollution कर रही है। कौन सा pollution? वायु प्रदूषित कर रही है बेटा, हवा गंदी कर रही है। तो बेटा यहाँ पर एक्शन किसने ओरिजिनेट किया? गायत्री मिल यानी ओरिजिनेटर। क्या कर रही थी वो उस टाइम पे? सर प्रोडक्शन कर रही थी। और सामने वाले का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सो व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ओरिजिनेटर प्रोडक्शन कर सकता है, सर कंजम्पशन के दौरान भी हो सकता है क्या? हो सकता है। मान लो बेटा दिव्या को बीड़ी पीने की आदत है। अब भैया एक बार मैं और दिव्या कार में ट्रैवल कर रहे थे, अब इसको तलब उठी और ये वही बीड़ी फूकना चालू कर दी। अब बेटा उसके कारण मुझे तकलीफ हो रही थी, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ ओरिजिनेटर ने एक्शन इनिशिएट किया स्वतः के कंजम्पशन के दौरान? यस। तो ओरिजिनेट करते जब भी आप एक्शन, तो आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं कंजम्पशन भी कर सकते हैं, समझ में? अच्छा सर हमेशा नुकसान ही होगा क्या? नहीं, कभी कभी फायदा भी हो सकता है क्या? बेटा मान लीजिए मैं एक ओरिजिनेटर हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ना हनी बी को पालता हूं बेटा। कौन सा कल्चर होता है वो? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऐसा कुछ होता है ना वो कल्चर, कोई तो टाइप का, समझ गए ना तुम? तुम समझ गए? मक्खी पालता हूं बेटा मैं, हॉर्टिकल्चर। चलो तो हॉर्टिकल्चर कर रहा हूं, तो क्या मैं ओरिजिनेटर हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं? यस। तो मेरी मधुमक्खियां बाहर घूमती है बेटा, और वो जहां जहां जाती है वो पोलन ग्रेन गिरा देती है, और पोलन ग्रेन गिराने से क्या हो जाता है? चारों तरफ बेटा फूल ही फूल आ जाते हैं। तो क्या ऐसे समय संसार का फायदा हो रहा है? हो रहा है। तो भैया मेरे प्रोडक्शन के टाइम दूसरों का फायदा भी हो सकता है, मैं पैसे नहीं ले रहा इसलिए एक्सटर्नल। समझे? यस। भैया मेरे कंजम्पशन के दौरान भी कभी कभी फायदा हो सकता है। सर कैसे? आपके कंजम्पशन के दौरान कैसे फायदा हो सकता है? मान लीजिए बेटा एक बहुत ही खराब जगह है जहाँ पे बदबू आ रही है, मैंने क्या किया? रूम फ्रेशनर मार दिया। तो बेटा मैं ओरिजिनेटर हूँ सेक्शन का, और मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ उसी को। कंज्यूम मतलब जरूरी खाना, कंज्यूम मतलब मैंने यूज किया, वो भी कंजम्पशन ही है। तो भैया इससे सामने वाले का क्या हो गया? फायदा हो गया, समझ रहे हो आप? तो भैया ओरिजिनेटर जब भी ये कॉस्ट और बेनिफिट इनिशिएट करता है, वो प्रोडक्शन भी कर सकता है कंजम्पशन भी कर सकता है। आपको बात समझ में? सिमिलरली बेटा जो रेसिपिएंट रहता है, जब वो एक्शन रिसीव करता है, वो प्रोडक्शन भी कर सकता है कंजम्पशन भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल संस्कार क्या कर रहा था बेटा? संस्कार बुक पढ़ रहा था, ठीक है, वो कंज्यूम कर रहा था, तो ड्यूरिंग कंजम्पशन हुआ उसके साथ, समझ गए बेटा? ठीक है सर, ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लो बेटा वहां पे रोहन बैठा था, रोहन लैपटॉप पे बैठकर बेटा करोड़ों का प्रोजेक्ट बना रहा था, और उस दौरान उसे कुत्ते ने काट लिया। करोड़ों का प्रोजेक्ट बना रहा था और कुत्ते ने काट लिया, तो बेटा इस दौरान रेसिपिएंट को नुकसान कब हुआ? उसके प्रोडक्शन के दौरान। मारियो खेल रहा था, लोग बच्चों को शायद लगा कोड है, मार टेम कोई कोड है जैसे महा टेम, तो मारियो लिखा था वो। आपने कोई अच्छी मूवी चला दी तो बाजू वाला भी देख सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल होता है। मान लो आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोग रहते हैं ना बेटा इरिटेटिंग, लगभग तुम्हारे फोन में ही घुसे हुए रहते हैं, कितने खराब लोग होते हो। तो बेटा तुम वहां पर कोई स्टैंड अप कॉमेडी का अच्छा शो लगा दोगे, तो तुम ओरिजिनेटर हो, तुम कंजम्पशन कर रहे हो, सामने वाले का फायदा हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कंजम्पशन के दौरान फायदा हो रहा है, प्रोडक्शन के कारण फायदा हो, प्रोडक्शन के दौरान।
समझ में आया बेटा? तो एक बात तो समझ में आई सर, जब भी पॉजिटिव या एक्सटर्नल पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हम ओरिजिनेट करते हैं तो जो बंदा ओरिजिनेट करता है उसे बोलते हैं ओरिजिनेटर। वो या तो प्रोडक्शन कर रहा होगा या तो कंजम्पशन कर रहा होगा, और रेसिपिएंट भी या तो प्रोडक्शन कर रहा होगा या तो कंजम्पशन कर रहा होगा। अभी सभी के एग्जांपल्स भी लेंगे। कोई रिश्ता ही नहीं है ना बेटा, कोई रिश्ता ही नहीं है, और रिश्ता हो भी सकता है, रिश्ता बस ये है गिवर एंड टेकर का, समझ लो। इनमें कोई बेटा पैसे का रिश्ता नहीं है, क्योंकि पैसे का रिश्ता होता तो भैया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं होती बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्या ये डेफिनेशन रिविजिट करें, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन। बेटा जब ओरिजिनेटर एक्शन इनिशिएट करता है वो प्रोडक्शन भी कर सकता है कंजम्पशन भी कर सकता है, लीड टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन कर सकता है, फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट। ये जनरिक डेफिनेशन, ये डेफिनेशन समझो, अपन 8 टाइप की डेफिनेशन निकालेंगे। क्या बात कर ले हो सर, बिल्कुल क्या बात कर ले हो सर, बिल्कुल। अरे नहीं सर, क्या बात कर ले, पूछ रहा हूँ, पूछ रहा है, बताता हूँ पहले 8 एक्सटर्नैलिटीज निकालता हूँ। बेटा वो कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज है, वो हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स क्या है, पर जरूर हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे बेटा। जो पोल्यूशन कर रहा है उसको कंट्रोल में लेकर आना है, पोल्यूशन अबेटमेंट इक्विपमेंट्स लगवाने हैं, नहीं तो बेटा ऐसा तो गुंडा राज हो जाएगा। अब भैया स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस क्यों बंद करवाएंगे, ये तो रीजन था उसके पीछे। गायत्री बोला हाँ सर मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है उसका, क्या करें बेटा, आदत तो तुझे पड़ी गई होगी। अब 8 डेफिनेशंस बनाएंगे अपन, पहले तो देखो डेफिनेशन बन कैसे सकती है। बेटा एक्सटर्नैलिटी में एक ओरिजिनेटर होता है सर, एक रेसिपिएंट होता है सर। अब ओरिजिनेटर और रेसिपिएंट दोनों या तो कंजम्पशन कर रहे हो सकते हैं या तो प्रोडक्शन कर रहे हो सकते हैं, हाँ सर। और एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, पहली एक्सटर्नैलिटी बनाते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, लिखता हूं मैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सर मतलब क्या, मतलब बेटा प्रोड्यूसर जो सॉरी ओरिजिनेटर है वो भी प्रोडक्शन कर रहा था और रेसिपिएंट भी प्रोडक्शन कर रहा था और सामने वाले का फायदा हुआ इस दौरान। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल तो सभी के दूंगा, पर पहले 8 टाइप की एक्सटर्नलिटी कैसे निकलती है वो निकालो। तो पहला कौन सा, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। दूसरा हो सकता है बेटा पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन, समझा क्या? कॉपी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ड्यूरिंग कंजम्पशन, अब ये लिखना। अब तीसरा पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन। सिमिलरली पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। अब बेटा सेम केस हमें नेगेटिव के लिए लेना है, ये चारों का नेगेटिव केस भी तैयार हो जाएगा। जहां जहां पॉजिटिव थे अब वहां नेगेटिव आ जाएगा। जैसे सर नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। तो जैसे चार पॉजिटिव वैसे चार नेगेटिव भी तैयार हो जाएगी। बताइए क्या ये चीज समझिए आपको। सबका मीनिंग बताऊंगा, रीड करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं। यस Tell me, is this thing clear? क्योंकि बेटा ये मार्केट फेलियर है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये मार्केट में हो रही खामियां हैं, गवर्नमेंट ऐसी खामियों को पूरा करने की कोशिश करेगी। अगर बेटा नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही है, समझ तू सड़क पे बैठ के बेटा सिगरेट पी रही है, क्या बेटा तू सामने वाले जिसको नुकसान हो रहा है, जिसको तकलीफ हो रही है, उसको पैसा देती है क्या? सड़क पर बैठकर तू बीड़ी पी रही है बेटा, देगी क्या तू सामने वाले जो हुआ जिनको महसूस करना पड़ रहा है पैसा देगी नहीं? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ढूंढेगी और बेटा कुछ लॉ लेकर आएगी, बोलेगी बैन कर दो। मान ले बेटा ऋषभ प्लास्टिक लेकर घूम रहा है, तुम लोगों को कोई तकलीफ है उससे? नहीं, पर बेटा उससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, इनडायरेक्टली तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बैन लगा देगी। और समझ ले गई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आ रही है, यानी कि एक्चुअली लोगों का फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करेगी और इनको रेप्लीकेट करना चालू करेगी, समझी क्या? ठीक है, पहले हमें समस्या तो पता होना चाहिए ना बेटा, फिर दवाई देंगे। मरीज आएगा, समस्या देखेंगे, फिर दवाई देंगे, नहीं तो झोला छाप डॉक्टर की तरह क्या करेंगे, सीधा साइन थोड़ी चढ़ा देंगे कि नहीं भाई इकोनॉमी कुछ तो गलत हो रहा है, आग लगा दो इकोनॉमी को, ऐसा नहीं कर सकते बेटा, सोचना पड़ता है। तो बेटा 8 टाइप की एक्सटर्नलिटी समझी क्या आपको? अपन एक एक देखते हैं, लिखते हैं, समझ के उनके एग्जांपल डिस्कस करते हैं और 8 डेफिनेशंस बनेंगे। क्या बात कर रहे हो सर, पहले तो जेनरिक डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है सर लिखवाइए। क्या है बेटा जेनरिक डेफिनेशन, व्हेन एक्शन ऑफ, कौन एक्शन ओरिजिनेट करता है बेटा, ओरिजिनेटर। अब ये कुछ भी कर रहा हो सकता है, या तो ये प्रोडक्शन कर सकता है या तो ये कंजम्पशन कर सकता है, विच लीड्स टू या तो सामने वाले का फायदा हो सकता है या तो सामने वाले का नुकसान हो सकता है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, ड्यूरिंग कंजम्पशन और प्रोडक्शन
सभी के एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तुमने टाइप्स बताया, विच लीड्स टू कॉस्ट यानी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज और हर कंजम्पशन और प्रोडक्शन। मतलब बेटा बहुत सिंपल है, ओरिजिनेटर या तो प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहा है, रेसिपिएंट या तो प्रोडक्शन कंजम्पशन कर रहा है, बात समझ में। लेकिन सबसे एसेंशियल, फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट, फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। ये तो जेनरिक डेफिनेशन हो गई। अब हम पहले चार टाइप की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देखते हैं। पहला केस हम बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, कौन सा? पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन। दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, वही पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी पर इस बार ऑन कंजम्पशन। अगला पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑन कंजम्पशन। समझ में आया आपको? तो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से बेटा नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। बेटा आठ टाइप आ गए। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने जेनरिक डेफिनेशन लिखी। क्या है भैया जेनरिक डेफिनेशन? व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट, व्हेन द एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज और हर प्रोडक्शन और कंजम्पशन फॉर व्हिच नो प्राइस इज पेड इन द मार्केट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। आठ टाइप देखिए बेटा, चार पॉजिटिव है, चार नेगेटिव। चार होती है बेटा जब ओरिजिनेटर प्रोडक्शन कर रहा है, चार तब होती है बेटा जब ओरिजिनेटर और रेसिपिएंट प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर रहा है। मैंने आपको आठ टाइप बता दी, बात समझ में। तो कैसे याद रखता हूं बेटा, चार पॉजिटिव है, प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑन कंजम्पशन। अब नेगेटिव है, नेगेटिव है प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑन कंजम्पशन। समझ में आया बेटा? अब चलिए डेफिनेशंस को हम समझते हैं बेटा। अभी हम समझना चाहते हैं पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव का मतलब क्या? कॉस्ट है या बेनिफिट है, आप बताइए, कॉस्ट है या बेनिफिट है? बेनिफिट है, तो डेफिनेशन में से कॉस्ट को हटा दिया बेटा। पहला वाला, ये पहला वाला जो रहता है ओरिजिनेटर का रहता है और दूसरा रेसिपिएंट का रहता है। तो भैया मुझे बताइए ओरिजिनेटर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है या कंजम्पशन कर रहा है? और रेसिपिएंट क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या रेसिपिएंट भी प्रोडक्शन कर रहा है? लो डेफिनेशन क्या है, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन लीड्स टू बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन फॉर व्हिच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन। एग्जांपल बेटा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बेटा मान लीजिए एक ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर इज बी कीपर, बी कीपर फॉर हनी, ठीक है। तो क्या बेटा ओरिजिनेटर अपना प्रोडक्शन कर रहा है? यस। एंड रेसिपिएंट इज ओनर ऑफ नर्सरी। बेटा फायदा होता है नर्सरी वालों का, या फिर मान लेते हैं फार्मिंग कर रहा है बेटा, ये फार्मिंग में फायदा हो रहा है, फ्लावर्स की फार्मिंग कर रहा है उसमें फायदा हो रहा है, समझ रहे? एग्जाम्पल हमारी बुक में है समझाने के लिए, समझो। तो बेटा क्या एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग हिज प्रोडक्शन लीड्स टू बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज प्रोडक्शन? यस, दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन। समझ में? अब तुम बोलोगे सर हमने तो इतने सारे लिखे ही नहीं इतनी फास्ट, हमने तो एक ही लिखा था, समझ लेता हूँ लिखने के लिए। अब बेटा हमें पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी और प्रोडक्शन देखना है। बेटा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, बोलो हाँ। तो पॉजिटिव है तो कॉस्ट आएगा, बेनिफिट आएगा, क्या आएगा? बेनिफिट आएगा तो कॉस्ट हटा देता हूँ। पहला वाला प्रोडक्शन, पहला वाला जो रहता है प्रोडक्शन या कंजम्पशन किसका? ओरिजिनेटर का है, तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन बोला है, कंजम्पशन बोला है। और सेकंड वाला रेसिपिएंट क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन है। व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन लीड्स टू बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट ड्यूरिंग कंजम्पशन फॉर व्हिच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट इज कॉल्ड एज बेनिफिट ऑफ द पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, ठीक है। एग्जाम्पल म्यूजिशियन रिहर्सिंग हिज सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट बैठा है आराम से मस्त और म्यूजिशियन बेटा अपना सॉन्ग रिहर्स कर रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है उसके ऊपर। अगर अच्छा सॉन्ग है, अगर तर्कश गाना गा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखिए, ये बंदा म्यूजिशियन ओरिजिनेटर है, वो सॉन्ग रिहर्स कर रहा है, मतलब अपना प्रोडक्शन का ही काम कर रहा है, और सामने वाला रेसिपिएंट है वो कुछ कंज्यूम कर रहा है। समझ में आया आपको? लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, बाद में लिख सकते हैं आप, पहले समझ लो फिर लिख लेना।
घर में लिख लेंगे, क्लास के बाद नोट कर लेंगे। सर सॉरी फॉर द ऑफ ट्रैक डाउट, आपको कभी किसी ने बोला है? सेम टू, बहुत अलग दिखते हैं बेटा वो क्या होता है, अपने को कई कई लोग सेम लगते हैं, जैसे मुझे राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली सेम लगते हैं, मुझे हिमेश रेशमिया और इमरान हाशमी सेम लगता था, अब वो बात सही है, ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन तो आज भी सेम लगते हैं मेरे को, तो वो ऐसा होता है। मैंने सर को भी बोला कर, अच्छा उनका ऑफिस और मेरा ऑफिस सामने सामने है, हमने साथ में भी पढ़ाया है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी दो साल से मुझे 1 साल से मुलाकात नहीं हुई, मैंने अभी ऑफिस जाना चालू किया। अच्छा पता है तुमको क्या नहीं पता है बेटा, गाड़ी गाड़ी तो पुणे में आती है गाड़ी रोज क्लास करने के लिए, पीएचटी पॉइंट पे। हाँ गायत्री, हाँ गायत्री, गायत्री तुम प्रेस्टीज पॉइंट पे आती हो गायत्री? नहीं सर ऑनलाइन है। ओके चलिए अगला देखिए बेटा, हमें चाहिए पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन। क्या आएगा बेटा इसका, पॉजिटिव है तो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव है तो बेनिफिट आएगा। सामने वाला पहला वाला कौन है बेटा, पहला वाला ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर क्या कर रहा है कंजम्पशन, सेकंड वाला क्या कर रहा है अपना प्रोडक्शन। तो देखिए व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग कंजम्पशन लीड्स टू बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन फॉर दिस नो प्राइसेस पेड इन मार्केट, बेनिफिट हो रहा है बेटा। ठीक है इसका एग्जांपल लेते हैं बेटा, बेटा तुम एक कैफे में बैठे हो, अपने पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए, कैफे में बैठे हो और कैफे में तुमने क्या किया बेटा, एकदम ओल्ड सॉन्ग प्ले कर दिया, तुमने कौन, तुम भी बेटा वहां पे डोसा खा रहे हो, तुम डोसा खा रहे हो बेटा, तो बेटा क्या तुम ओरिजिनेटर हो, क्योंकि तुमने एक्शन ओरिजिनेट किया, और तुम क्या कर रहे हो अपना कंजम्पशन कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, डोसा खा रहे हो, सॉन्ग को भी कंज्यूम कर रहे हो, डोसा भी खा रहे हो। वहां पर बेटा एक आदमी बैठा था जो बेटा बेसिकली एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, वो सुन के उसको इतना अच्छा लगा कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, बराबर है क्या, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, वो क्या कर रहा था बेटा प्रोडक्शन कर रहा था, तो क्योंकि अच्छा कार्य हुआ इसलिए पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन। इसलिए जरा देखना बेटा गवर्नमेंट ने कई जगह पब्लिक प्लेसेस पर ना मध्यम म्यूजिक प्ले करना चालू कर देती है, एकदम शास्त्रीय संगीत चलाती रहती है बेटा, बस स्टैंड पर खास करके चलता है, तो उनको चीजें समझ में आती है फिर वो इंप्लीमेंट करते हैं, बराबर। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइए बेटा पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन, बेटा कॉस्ट कट करूं या बेनिफिट को कट करूं, कॉस्ट कट करूं या बेनिफिट को कट करूं, सर पॉजिटिव है तो कट किसको करूं, निकालूं किसको, कॉस्ट को कट कर दो रखो बेनिफिट को। अच्छा कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है तो मुझे बताइए ओरिजिनेटर क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है या प्रोडक्शन कर रहा है, सर कंजम्पशन करता, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। और भैया रेसिपिएंट क्या कर रहा है, सर रेसिपिएंट भी कंजम्पशन कर रहा है। व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग कंजम्पशन लीड्स टू बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज कंजम्पशन दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। पता समझ में आया क्या, इसका एग्जांपल बना लेते हैं बेटा, इसका एग्जांपल बनाते हैं अपन, क्या होगा इसका एग्जांपल बताओ, समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव है ना फायदा, सामने वाला अपना कंजम्पशन कर रहा है बेटा, बताओ कोई एग्जांपल सोचो, फिर अपने को बुक वाले उठाने पड़ेंगे थोड़े फॉर्मल एग्जांपल। ओरिजिनेटर बीड़ी फूक रहा है, रेसिपिएंट को भी दे दिया दोनों कुछ, इसका एग्जांपल, हाँ ये एक अच्छा एग्जांपल है बेटा। मान लो आप मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, मेट्रो में बेटा एक ओरिजिनेटर है जो लैपटॉप पे मूवी देख रहा है, कौन सी मूवी देख रहा है बेटा, वो देख रहा है लाल सिंह चड्ढा, चलो कोई तो देख ले मूवी को, तो भैया वो क्या कर रहा है, वो ओरिजिनेटर है, वो कंजम्पशन कर रहा है बेटा, सामने वाला भी उसको देख रहा है, तो बेटा सामने वाले का भी फायदा हो रहा है और ये भी उसे कंज्यूम कर रहा है, जिसे बोलेंगे पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ऑन कंजम्पशन। नेगेटिव भी हो सकता है लाल सिंह चड्ढा दिखने पर, मुझे नहीं पता मूवी कैसी है, अच्छी है खराब है, फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छी थी। सुना बेटा, अब आप बोलोगे सर ऐसी चीजों का क्या करना, हमको बिल्कुल ऐसी चीजों का करना पड़ता है बेटा, क्या यहाँ पर किसी का फायदा हो रहा है, हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है अच्छा ऐसे लोगों को फायदा मिलता है, तो एक काम करते हैं अपन मेट्रो के अंदर टीवी चला देते हैं, सब कंज्यूम करो, वो भी ले सकते हैं संस्कार, मस्त है फॉरेस्ट गम्स टर्मिनल, और मैंने दो चार देखी उसकी, शौशांक रिडम्पशन देखो, शौशांक लिखने नहीं आएगा, SHAWSHANK, शौशांक रिडम्पशन, आप बेटा मूवी के दौरान सो जाओगे, इतनी बड़ी मूवी है, और एंड में जब आप देखोगे ना बेटा चेहरे पर ये स्माइल आएगी, यू विल बी दिस शौशांक रिडम्पशन। फिर बेटा शिंडलर्स, SHINDLER'S, शिंडलर्स लिस्ट, वो मूवी देखोगे तो आप सो जाओगे बीच में, फिर एंड में जब एंड का पार्ट देखोगे ऐसी स्माइल आएगी चेहरे पर, सेम गोज विद फॉरेस्ट गम्स, क्या पैसा बना था वहां, शौशांक मस्त है। शिप वाला एक है, शिप वाला, शिप वाला कौन सा, टॉम हैंक्स, टिटैनिक, तुम्हारा टिटैनिक, टाइटैनिक तो भैया बहुत ही खराब मूवी है, वो रोज बचा सकती थी जैक, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली टाइप की लड़की थी वो, इतना बड़ा पटला था बेटा, उस पर अकेली चलेटी थी वो पैर पसार के, यहाँ जैक बेचारा हौला डूब रहा था, आ सकते थे बेटा दोनों, हाई पॉसिबिलिटी आ सकते थे, मैं बोल रहा था आ सकते थे, मैं तुमको बोल रहा यू यू वॉन्ट डिसअग्री टू दिस, वो आ सकते थे, मतलब जितना बड़ा पटिया दिखाया था, स्क्रिप्ट बदल दो, छोड़ दो बेटा क्या ही करें। अच्छा साहब बेटा अब मुझे चाहिए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन, तो भैया नेगेटिव है यानी कि कॉस्ट, सामने वाला कर रहा है प्रोडक्शन और ये बंदा भी कर रहा है अपना प्रोडक्शन, तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी ऑन प्रोडक्शन का मतलब क्या है, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन लीड्स टू कॉस्ट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सर इसका एग्जांपल गायत्री, गायत्री है बेटा, गायत्री शुगर मिल की मालकिन है, क्या कर रही है वो प्रोडक्शन कर रही है, उसके बाद कचरा वो जितना भी है खराब पोल्यूटेड मटेरियल माल है वो कहां पे डाल रही है, नदी में छोड़ रही है बेटा। ऋषभ मछुआरा है बेटा, मछली पकड़ने गया, उसने देखा कि भैया मछली मरी है, मछली को पोलियो हुआ, तो फिशरमैन के कैच को अफेक्ट हुआ,
तो भैया सामने वाले को नुकसान हुआ, गायत्री ने इसको पैसा भी नहीं दिया, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन लीड्स टू कॉस्ट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन फॉर व्हिच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट। बात समझी? समझ में आया? कोई बीड़ी बना रहा है उसकी फैक्ट्री से धुआं सबको परेशान कर रहा है, तो बीड़ी से ऊपर उठना बेटा, और वो सबको परेशान कर रहा है, सबको परेशान की बात नहीं बेटा, प्रोडक्शन के दौरान परेशान करना चाहिए, सामने वाले ने भी प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा चलिए सर, अब नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन क्या होगा? नेगेटिव है मतलब कॉस्ट है, प्रोडक्शन हो रहा है तो कंजम्पशन को कट कर देता हूँ, और यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है तो प्रोडक्शन को कट कर देता हूँ। ठीक है, यही एग्जांपल लीजिए बेटा, गायत्री है, गायत्री नदी को पल्यूट कर रही है, ठीक है, नदी को पल्यूट कर रही है बेटा, तो गायत्री क्या कर रही है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन। लेकिन भैया अब क्या हो रहा है, यहाँ पर सचिन उस नदी का पानी पी रहा है बेटा, सचिन उस नदी का पानी पी रहा है, ठीक है, और सचिन पड़ गया बीमार, तो बेटा इस बार इसने क्या किया, रेसिपिएंट ने कंजम्पशन किया। बात समझ में क्या? बिल्कुल गायत्री, गायत्री सब जानती है बेटा, गायत्री वही तो करती है, बाद में दवाइयां बेचती है, गायत्री मेडिकल स्टोर। अच्छा अब बेटा नेगेटिव कंजम्पशन ऑन प्रोडक्शन, तो नेगेटिव है तो कॉस्ट, कंजम्पशन है तो प्रोडक्शन कट कर दे, ऑन प्रोडक्शन है तो कंजम्पशन कट कर दे। सामने वाला बीड़ी फूंक रहा है उसके कारण बेटा तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लग रहा है, तुम लोग कल के लिए बेटा ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, सामने वाला बीड़ी फूंक रहा है बेटा, तो आप लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है सर। और लास्ट है नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन। बन गई बेटा आठ डेफिनेशन, एक्सटर्नलिटी समझा, एक्सटर्नलिटी के टाइप समझे, और एग्जांपल्स तो बुक से पढ़ ही लेंगे तो बेटा ये बहुत लेंदी पार्ट था, वो मैंने कवर करवाया, आपको समझना मुश्किल था। तो वहां पे बीड़ी बीड़ी मत लिख लेना, कंजम्पशन ऑफ टोबैको लिख देना, टोबैको लिखने में क्या तकलीफ है, स्मोकिंग, वेरी गुड, इसलिए तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बंद करवाई है बेटा। हाँ मैं जानता हूँ अमन तेरा नुकसान हुआ है, देखो बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी थी बेटा। चलिए बेटा आठ टाइप की एक्सटर्नलिटी समझ में आई तुमको, एक्सटर्नलिटी का पूरा मतलब समझ में आ गया बेटा। इस एक्सटर्नलिटी को साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट भी बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड, NEIGHBOOD, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट भी बोलते हैं। सर ऐसे ऐसे नाम क्यों दिए बेटा? साइड इफेक्ट बोलते हैं मतलब कर तुम रहे हो, भर कोई और रहा है, साइड इफेक्ट हो रहा है उसका। स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर मतलब ऐसा ग्लास है समझो बेटा, उसमें पानी भरोगे एक लेवल के बाद क्या होगा, स्पिल होना चालू हो जाएगा, चारों तरफ पसरेगा। सिमिलरली एक्सटर्नलिटी आपको तो बेटा तकलीफ देगी या तो आपको फायदा देगी, लेकिन धीरे धीरे स्पिल ओवर सबके ऊपर भी जाना चालू हो जाएगा। नेबरहुड इफेक्ट यानी कर कोई और रहा है, भुगतना तुम्हें पड़ रहा है। थर्ड पार्टी इफेक्ट का भी मतलब भैया, तो इतने चार नाम है उसके। तो बेटा मैंने जनरिक डेफिनेशन लिखवा दी तुम लोगों को, अब उसकी मदद से तुम आठ डेफिनेशन बना सकते हो, अभी हम पढ़ेंगे सब कुछ। यहाँ तक एक्सटर्नलिटी चलता है, फिर देखो गुड्स कितना छोटा सा पार्ट है, गुड्स यहाँ से स्टार्ट होगा, गुड्स भी है बड़ा, और फिर इन्फॉर्मेशन, फिर यूनिट खत्म हो जाएगा, कल यूनिट खत्म कर देंगे शायद। दो मिनट का ब्रेक ले लो, हमें रीडिंग करना है अभी। क्या क्या नाम है बेटा इसके? साइड इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट, एक्सटर्नलिटी, लिखा है सब बुक में। तो ये चार्ट बनाना, तो साइड में लिखना, तो पॉजिटिव यानी बेनिफिट, नेगेटिव यानी कॉस्ट, ओरिजिनेटर प्रोडक्शन भी कर रहा हो सकता है, कंजम्पशन भी कर रहा हो सकता है, रेसिपिएंट प्रोडक्शन भी कर रहा हो सकता है, कंजम्पशन भी कर रहा हो सकता है। बेटा क्या आप इसकी मदद से आठ डेफिनेशन बना लेंगे? एक जेनरिक डेफिनेशन याद रखिए, आठ बना सकते हो बेटा। आज रात में यूट्यूब क्लास नहीं है, आज मेरे में ताकत भी नहीं है। जो बिफोर आफ्टर वाली फोटो दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, मेरे को लगता है आफ्टर वाली फोटो पहले होती थी और बिफोर वाली फोटो अभी आती है। जैसे कि ऐसे दिखाते हैं बेटा बिफोर और आफ्टर, मेरे को लगता है उल्टा बोलते हैं, ये इंसान पहले ऐसा रहता है बाद में ऐसा हो जाता है, और ऐसा वापस कभी नहीं होता। क्या बोलते हैं? जी सर रेस्ट कर लीजिए, थैंक यू। बिफोर में हमेशा दुखी दिखता था, बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगा तुझे छोड़ के, अमन टेंशन मत ले ब्रो, उनका एक कतरा भी जब तक तुम्हारी बॉडी में रहेगा चूसेंगे हम सब टीचर मिलकर उसे, बदमाश बच्चा। बदमाश नहीं था पहले, तुषार कहां था, गायब हो जाता बीच बीच में।
सर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन, हाउस ऑफ ड्रैगन ये इसका स्पिन ऑफ है क्या? गेम ऑफ थ्रोन्स का क्या है बेटा? बोलो दो सौ साल में मेरे को जीओटी वापस देखना है, भूल गया होगा। मैं एक्चुअली बहुत थक गया था, मैं सुबह 5:30 बजे उठने की आदत लग गई है, रात को 1 बजे सो रहा हूँ, बहुत तकलीफ हुई है। मेन प्रॉब्लम क्या होने लगती है, वर्ड्स अटकने लगते हैं, माइंड बहुत स्लो हो जाता है। इतनी क्लासेस क्यों ले रहे हो बेटा? मजबूरी है, मजबूरी तो है। हाँ ब्रह्मास्त्र देखेंगे पूरी नाइट में, एक नींद नहीं होगी मेरे को मालूम है, 3 टुकड़ों में नींद दे रहा हूँ। अगर ये 4-6 महीने तक चला तो हेल्थ एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा, बट मेरे को पता है नवंबर तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नवंबर के बाद सब स्केड्यूल चेंज कर दूंगा मैं, तब तक मैं बस चलिए पढ़े बेटा। पूरी नाइट पढ़े, मैं भी नाइट स्टडी करने वाला था, मेरे को टाइम टेबल डिसाइड करना था, तो मेरी सुबह क्लास में 7:30 बजे होती है, बच्चे आ जाते मैं भी आ जाता, कोई तकलीफ नहीं है। तो वहाँ पे टीचर बोलता है आई एम अ नाइट पर्सन, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं तो कभी भी आ जाता हूँ, मैं नाइट टू मॉर्निंग पर्सन, मैं डायरी जरूर उठ जाता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव इट, मुझे आज पहली क्लास की 7:30 बजे से पहले 8:30 बजे रहती थी, क्योंकि मेरी पहली क्लास की बेटा माइंड में प्रेशर रहता है ना, मैं 5 बजे उठ गया, उसके बाद नींद ही नहीं आई। तो मैं मेरा ऐसा ही है, मैं बहुत सिंसियर, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है बेटा, मैंने कभी क्लासेस लेट नहीं करी है, ऑन टाइम कंप्लीट करी है, वो सब है। अब यहाँ पर ऑनलाइन में थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पीड नहीं पता रही ना बच्चों की। ठीक बेटा, एक्सटर्नैलिटी को अगर हिंदी में समझा जाए, करे कोई और भरे कोई, व्हेन एक्शन ऑफ आइदर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। बेटा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मतलब इसका मतलब है एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, व्हेन एक्शन ऑफ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग कंजम्पशन और प्रोडक्शन रिजल्ट इन कॉस्ट और बेनिफिट दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एज अ पार्ट ऑफ मार्केट प्राइस, सच कॉस्ट और बेनिफिट व्हिच आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एंड अकाउंटेड फॉर आर कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। बेटा आपको मेरी डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगी होगी, यस तो आप मेरी वाली डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन लीड्स टू कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज प्रोडक्शन और कंजम्पशन फॉर व्हिच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नैलिटी। एन एक्सटर्नैलिटी अकर्स व्हेन कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ अदर पर्सन एंड नो प्राइस इज पेड इन मार्केट। यूनिक फीचर क्या है बेटा, इट इज एक्सपीरियंस नॉट थ्रू प्राइस सिस्टम बट आउटसाइड मार्केट। वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस पे नहीं किया जाता, तो आप डेफिनेशन अच्छे से लिख देंगे उसमें सबका बोल रहा है, फॉर विच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट। वर्किंग एज द ओरिजिनेटर ऑफ एक्सटर्नैलिटी, ओरिजिनेटर कॉस्ट और बेनिफिट ऑन अदर हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द इफेक्ट। बेटा रेसिपिएंट की तो कोई गलती नहीं थी, रेसिपिएंट ने तो बेटा इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसको कॉस्ट और बेनिफिट फुकट में मिल रहा है। इसलिए बेटा इसको स्पिल ओवर इफेक्ट, नेबरहुड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कॉल्ड एज नेबरहुड इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट, थर्ड पार्टी इफेक्ट, साइड इफेक्ट। तो आपको बोला ये सिंपल है, इट इज एक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर इन व्हिच रेसिपिएंट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग बट आइदर इज सफरिंग और गेटिंग बेनिफिटेड विदाउट प्राइस। भैया उसका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फ्री में। तो ऐसे में इसे थर्ड पार्टी, स्पिल ओवर इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एक्स और क्या नेबरहुड इफेक्ट। Since it is outside the price mechanism, it has not been compensated for. In other words, it is uninternalized, or the cost benefit is not borne paid by the party. Uninternalized, no price is paid in market. क्या आपको एक चीज realize हो रही है? Same चीज repeat 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 होती जा रही है. Action of originator during production or consumption leads to cost or benefit on recipient during his or her production or consumption, for which no price is paid in market. ये लिख दो definition, बात खत्म हो रही. Consequences of negative externality. क्या होता है बेटा negative externality कारण? Negative externality कारण originator के कारण recipient पे नुकसान होता है, सर गलत होता है उसमें, और price भी नहीं मिलता. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इम्पोजेस कॉस्ट ऑन सोसाइटी दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज ओरिजिनली प्रोजेक्टेड बाय प्रोड्यूसर। बट इसके लिए कोई कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट नहीं करी, फॉर एग्जांपल गाय की नदी को गंदा कर दिए, अच्छा काम करिए, बुरा काम करिए, बुरा काम करिए, तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। क्या कर रही है बेटा वो शुगर मिल चला रही है, तो भैया नेगेटिव कंजम्पशन सॉरी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी कर रही है, खुद प्रोड्यूस कर रही है और सामने वालों को नुकसान दे रही है, ठीक है जी। और बेटा क्या वो नदी गंदा कर रही है, उसका प्राइस चार्ज कर रही है किसी से, या उससे हम कुछ वसूल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, बस यही हम चाहते हैं कि इस लड़की से प्राइस चार्ज किया जाए। अगर इस लड़की की गलती है तो इसी से चार्ज करेंगे, और अगर बोलेगी सर ये अनअवॉइडेबल है, क्या करूं इसका, ये ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही होगा, ये वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा, तो हम बोलेंगे काम कर, अच्छा ऐसा हो रहा है ना, काम कर अपना प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा दे। अरे सर क्या करेंगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ा के हमको टैक्स ज्यादा दे, सर सामने वाला लेगा नहीं, हम वही तो चाहते हैं, तू गलत काम कर रही है, तू पोल्यूशन कर रही है, हम तुझे रोकना चाहते हैं, तेरी कॉस्ट बढ़ा देंगे, समझ रहे हो। सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इंपोजेस कॉस्ट व्हिच इज बियॉन्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू नेगलिजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज लोअर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट, दस देयर इज हायर चांस ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्राइसिंग। वाओ ये पॉइंट मुझे आपको समझाना पड़ेगा, बट इसके लिए मैं कल आपको समझाऊंगा, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एंड बेटा मार्जिनल सोशल कॉस्ट कल बताऊंगा, आसान है लेकिन कल बताएंगे, ठीक है। इसको हम के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हम बता सकता हूँ तुम्हें भी, मैं से सोचना मत, मैं नहीं सिखा सकता। अरे नहीं सर हमने नहीं सोचा, फाउंडेशन के बच्चे सोचते हैं, मतलब तो मास्टर ने आज नहीं बताया, इसको याद नहीं है या तो इसको आता नहीं है, नॉलेज चेक करते हो टीचर का। अच्छा यूनिडायरेक्शनल और रेसिप्रोकल, बेटा यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, व्हेन ओरिजिनेटर अलोन, ओरिजिनेटर ही खुद सिर्फ एक्शन इंपोज करता है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, ओरिजिनेटर तो एक्शन इंपोज करता है, रेसिपिएंट भी उसको रेसिप्रोकेट करता है, रेसिपिएंट भी एक्शन ओरिजिनेट कर देता है। यूनिडायरेक्शनल और नॉन रेसिप्रोकल एक्सटर्नैलिटी अकर्स व्हेन ओरिजिनेटर इंपोज कॉस्ट और बेनिफिट ऑन रेसिपिएंट एंड देयर इज नो एक्सटर्नैलिटी इंपोज बाय रेसिपिएंट बैक। सीधी बात है बेटा, जब सिर्फ ओरिजिनेटर ही कॉस्ट या बेनिफिट इंपोज कर रहा है रेसिपिएंट के ऊपर,
और रेसिप्रोकेट वापस उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, इट इज यूनिडायरेक्शन। और जब उसको वापस रेसिप्रोकेट कर दे इट इज कॉल्ड एज बेटा रेसिप्रोकल। एग्जांपल, इफ एन अकाउंटेंट हु इज डिस्टर्ब बाय लाउड नॉइज फ्रॉम फैक्ट्री बट हैज नॉट इंपोज एनी एक्सटर्नलिटी ऑन वर्कर, देन बेटा इट इज यूनिडायरेक्शन। वो फैक्ट्री की बहुत आवाज के कारण परेशान और अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो भैया इसके ऊपर कॉस्ट इंपोज हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन, सॉरी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। सामने वाला भी प्रोडक्शन कर रहा है, मैं भी प्रोडक्शन कर रहा हूं, नुकसान हो रहा है, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन, बड़ी यूनिडायरेक्शनल। आप वापस से कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। अब देखो रेसिप्रोकल, वर्कशॉप क्रिएट ईयर स्प्लिटिंग नॉइस, कान फाड़ने के वाला नॉइस बेटा, खून निकल रहा है, एंड इंपोज एन एक्सटर्नलिटी ऑन बेकर हु प्रोड्यूस स्मोक एंड डिस्टर्ब द वर्कर इन वर्कशॉप। शाबाश, तुम हमारे कान फाड़ो और हम तुम्हारा बेटा जीना आराम कर देंगे स्मोक से। बात समझ में, ये हुई ना बात। बोलो जी बोलो, मेरा बदला। गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लासेस। अरे भैया पहले यहां से हमें थोड़ा सा फ्री तो होने दो। गेट रेडी का क्या मतलब है? मैसेज आ जाता है तुरंत हमको अनअकैडमी का। अनअकैडमी जी बस रेडी ही है, सबको आत्मा अष्टमा मिलेगा बिल्कुल। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है? सिर्फ ओरिजिनेटर रेसिपिएंट के ऊपर कॉस्ट या बेनिफिट इंपोज करता है। अगर ये भी करे तो बेटा इसको बोला जाएगा रेसिप्रोकल। अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी बेटा आठ टाइप होते हैं, पर ब्रॉडर कैटेगरी में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जहां पर बेनिफिट कन्फर होता है, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जहां पर कॉस्ट इंपोज होती है। अब बेटा एक्सटर्नलिटी देखो, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन। एग्जांपल देखो, एग्जांपल में क्या हो रहा है बेटा? अच्छा इसकी डेफिनेशन लिख पाओगे? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन व्हेन एक्शन ऑफ ओरिजिनेटर ड्यूरिंग प्रोडक्शन लीड्स टू कॉस्ट ऑन रेसिपिएंट ड्यूरिंग हिज कंजम्पशन फॉर व्हिच नो प्राइस इज पेड इन मार्केट इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन। क्या ही कर लो क्या? अच्छा एग्जांपल खुद अपने आप बता रहा है बेटा, ये देखो ये गंदगी छोड़ रही है कौन? गायत्री। और बेटा ये पानी पी कौन रहा है? अमन। तो ये क्या कर रही है? प्रोडक्शन। ये कर रहा है कंजम्पशन। दोनों में इसका नुकसान हो रहा है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन। और यही मैंने आपको मछुआरों का एग्जांपल दिया था बेटा, कि फिशरमैन के कैच कम होते जा रहे हैं, तो ये क्या है? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, कंक्लूजन आपके काम का नहीं, रीड करो। द फर्म हैज नो इंसेंटिव टू अकाउंट फॉर एक्सटर्नल कॉस्ट दैट इट इंपोसेस ऑन कस्टमर ऑफ रिवर वाटर और फिशरमैन व्हेन मेकिंग। मतलब ये क्या बोल रहे बेटा, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। अब मेरे से पहले थोड़ी देर पहले तनिषा ने पूछा था, नसली पढ़ क्यों है? ये हो रहा है बेटा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो रही मार्केट में, हम बस इसे आइडेंटिफाई करके रोकना चाहते हैं। ऑल्सो देर इज नो मार्केट इन विच एक्सटर्नल कॉस्ट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ इतना ही प्राइस ऑफ एल्युमिनियम। यहां पर मैंने एल्युमिनियम इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया, इसलिए एल्युमिनियम लिखा। बेटा क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि देखो भैया, ऐसी स्थिति हो जाती है मार्केट में कि एक बंदा बेटा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी देता है और सामने वाले का ड्यूरिंग प्रोडक्शन या कंजम्पशन नुकसान होता है, इसलिए कोई प्राइस भी नहीं पे किया जाता है। नो मार्केट इज देयर। समझ में आया क्या? तनिषा भाग गई। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और प्रोडक्शन नेगेटिव प्रोडक्शन, ये आदिति का छुपी हुई थी। अब बेटा अगला देखते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन। मतलब भैया ओरिजिनेटर क्या कर रहा है प्रोडक्शन, और रेसिपिएंट क्या कर रहा है कंजम्पशन। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज रिसीव्ड इन कंजम्पशन व्हेन इंडिविजुअल रेजेस अट्रैक्टिव गार्डन एंड पर्सन वॉकिंग बाय एंजॉयज इट। बट आपने बहुत अच्छा गार्डन बनाया बेटा, आपने मस्त गार्डन प्रोड्यूस कर रखा है बेटा, या फिर ऐसा समझे आपने एक पार्क बना रखा है बहुत अच्छा, ठीक है, जिसके लिए आपको टिकट नहीं चार्ज कर रहे, तो भैया आपने अच्छा काम किया इसलिए पॉजिटिव। प्राइस नहीं चार्ज कर रहे इसलिए एक्सटर्नलिटी। आप कर रहे थे प्रोडक्शन, सामने वाला कर रहा है कंजम्पशन। और दूसरी ओर देखिए पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। बी कीपर हु लोकेट्स बी हाइव इन ऑरेंज ग्रोइंग एरिया एनहांसेस द चांस ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो भैया ये देखिए बी कीपर क्या कर रहा है, मधुमक्खियां पकड़ रहा है, ये मधुमक्खियां जाती है बेटा पोलन ग्रेन कैरी करती है, तो उसके कारण क्या हो रहा है बेटा, जो फार्मर है उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। सर एक्सटर्नलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई एक दूसरे को प्राइस थोड़ी पे कर रहा है यहां पे। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन, मतलब तुम क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, ये देखो ये कंजम्पशन कर रहा है, और उसके कारण तुम लोगों के कंजम्पशन पे अफेक्ट हो रहा है, तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, फेफड़े खराब हो रहे तुम लोगों के। सो ये भैया गलत बात हो रही है, इसलिए नेगेटिव। सामने वाला कर रहा है कंजम्पशन, तुम भी कुछ नहीं कर रहे, कंज्यूम कर रहे। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन। ये ढिंचक पूजा गाना गा रही है बेटा, ये क्या कर रही है? खुद के लिए गा रही है। तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ एफिशिएंसी फॉर वर्क एंड प्रोडक्शन आर इंस्टेंसेस ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी अफेक्टिंग प्रोडक्शन। ये अच्छे से एग्जांपल लिख नहीं पाए बेटा। मान लीजिए बेटा आप एक कैफे में बैठे हैं, ठीक है, या फिर बार में बैठे हैं बेटा, आप सोबर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए एक लाउंज में बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है, आपने कॉकटेल मॉकटेल कुछ मंगवाई है, या फिर सिर्फ मॉकटेल मंगवाई है, ठीक है, काम कर रहे हैं। सामने वहां बेवड़ा आ गया, बेवड़े ने ज्यादा दारू पी ली और तुम्हारा काम बिगाड़ रहा है, काम बिगाड़ रहे नेगेटिव, वो क्या कर रहा था कंजम्पशन, और तुम क्या कर रहे थे प्रोडक्शन या इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन कंजम्पशन, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको देख रहे हैं, ये सब एग्जांपल ही एग्जांपल, इतने एग्जांपल दो घंटे से दे रहा हूं, तो ये आप करेंगे बेटा, याद करके आइए ये, और ये मैं करवाता हूँ। और एक छोटा सा पॉइंट है, मार्जिनल कॉस्ट और सोशल कॉस्ट, हाँ आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू द मार्केट ऑन इट्स ओन, मार्केट को ख्याल पे छोड़ दिया जाए, अंडर या ओवर प्रोडक्शन होता है, लेस देन ऑप्टिमम प्रोडक्शन होता है, ठीक है। दो टाइप के फेलियर, डिमांड साइड फेलियर, डिमांड कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट फिलिंगनेस, और सप्लाई साइड फेलियर, व्हेन सप्लाई कैन नॉट टेक इनटू अकाउंट फुल कॉस्ट। चार टाइप के बेटा मार्केट फेलियर होता है, पहला था मार्केट पावर, मार्केट पावर मतलब मोनोपोली, मोनोपोली मतलब सक्सेसफुली मार्केट प्राइस बढ़ा देना कमोडिटी का टू गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या तीन चीजें करता है बेटा, लोअर आउटपुट, हायर कॉस्ट या मिसिंग प्रोडक्ट करता है, ये तीन चीजें करता है। लोअर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, या तो कॉस्ट बढ़ा देता है, या तो प्रोडक्ट मार्केट से गायब कर देता है। बात समझ में आता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक्सटर्नलिटी देखा, एक्सटर्नलिटी खत्म हुआ, कल हम देखेंगे गुड्स और उसके बाद इन्फॉर्मेशन।
ठीक है, ये पढ़ के आइएगा प्लीज। मैं थोड़ा सा पार्ट आपको ये और ये कवर करवाऊंगा, बाकी तो ये सब एग्जांपल चल रहा है। आप लोगों का आज काम क्या है, आपको डेफिनेशन याद करनी है आठ टाइप की। डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले आप चार्ट लेंगे बेटा, चार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे प्रोडक्शन कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन ओरिजिनेटर का रेसिपिएंट है। आप आठ डेफिनेशन बनाएंगे, पहले जनरिक डेफिनेशन याद रखेंगे, उसके हिसाब से बनाएंगे एग्जांपल भी तैयार करेंगे, और एग्जांपल भी यहाँ पे सब एग्जांपल। सो दिस इज ऑल यू, ठीक है, बाय, ठीक है।